डॉक्टर वाई सिंह सर सुन पा रहे हैं हमें? डॉक्टर वीपी सिंह सर आप सबसे बड़े हैं, आप इजाजत दें तो हम आगे बढ़ें। हेलो। हाँ जी, हाँ जी सर जी। हेलो। हाँ सर, आ रही है आवाज आपको, प्लीज बताइए। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? हाँ सर, आ रही है हमें आ आवाज रही है आवाज? जी। अच्छा आ रही है। अच्छा, इधर वीडियो नहीं आ रहा इधर। तो सबसे पहले डीएचएमए की मीटिंग में मेरा सबको नमस्कार। ये हमारी 46वीं वेबिनार है, तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे पैटर्न सर डॉक्टर वीपी सिंह का, जो हमेशा हमें टाइम देते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर मनीष शर्मा आज के स्पीकर, आपका बहुत बहुत स्वागत। उनका सब्जेक्ट कर्क्रिया कार्य एंड ग्रुप, कर्क्रिया कार्य इसकी जितनी भी दवाइयाँ आएगी इस ग्रुप की सब बोलेंगे, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा मेरे सारे मेंबर्स, एजुकेटिव कमेटी के मेंबर्स, जितने भी आज के श्रोता है इस वेबिनार से जुड़े हुए हैं, मैं बीएचएम की तरफ से सबका स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर दीपक शर्मा से निवेदन करता हूँ कि आगे कार्रवाई शुरू करें। धन्यवाद सर, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर दीपक शर्मा, दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी, आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं इस 46th वेबिनार सीरीज में। जो लोग आज हमारे साथ हैं और ऐसे लोग हैं जो नए हैं, मैं उनको बता दूँ कि दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन 1932 में डॉक्टर युधवीर सिंह सर द्वारा बनाई गई थी, और तभी से लेकर के दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन दिल्ली में होम्योपैथी के लिए बहुत कुछ काम कर रही है। लगातार CMEs, लगातार बहुत सारे ऐसे वर्क जो चैरिटी से रिलेटेड हैं, होम्योपैथी को लेकर के सबको जागरूक करना, और बहुत सारे ऐसे वर्क जो भी सेंट्रल में होते हैं होम्योपैथी को लेकर के, उस सब में दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अच्छा सा पार्ट लेती है। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कि आप सब लोग दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। आपका ये भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सब लोग हमारी एक रिक्वेस्ट पे सब लोग हमारे साथ होते हैं, हमारे वेबिनार्स में अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं। हमारे DHMA को आगे ले जाने के लिए आप सब लोगों का सहयोग प्रार्थनीय है। मैं अपने पैटर्न सर से भी निवेदन करूँगा कि डॉक्टर वीपी सिंह सर कि आप भी DHMA के बारे में 2 शब्द कहें, ताकि हम लोग आगे की कार्रवाई शुरू करें। सबसे पहले तो मैं आज के हमारे स्पीकर हैं डॉक्टर मनीष शर्मा का DHMA की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दूसरा ये है कि जो आप ये 46th वेबिनार जो कर रहे हैं, बाकी सबसे बड़ा योगदान हमारे जो कर्मठ कार्यकर्ता हैं डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर श्वेता है और इनकी जो कमेटी है, इन्होंने बहुत मेहनत से इस चीज़ को आगे बढ़ाया है और बहुत ही बढ़िया लाभान्वित हम सभी लोग हुए हैं। और हमारे जो अध्यक्ष महोदय हैं, वो भी अपना टाइम निकाल करके हमारे साथ होते हैं। हमें बहुत बड़ा फख्र है कि इस तरह की एक बहुत अच्छी टीम हमारी बनी हुई है। मैं तो यही कहूँगा कि ये टीम बहुत अच्छी तरह से काम कर रही है, करती रहेगी, और बहुत अच्छा ये सब वेबिनार चल रहा है। इसके लिए मैं आज की टीम और आज के स्पीकर का बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और अब हमारी तरफ से भी डॉक्टर मनीष शर्मा का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर मनीष शर्मा वैसे मेरे छोटे भाई हैं, लेकिन मैं इनको भाई साहब कह के बुलाता हूँ, क्योंकि हर चीज़ में, हर एक्सपीरियंस में मुझसे ज़्यादा अच्छा जानते हैं। होम्योपैथी के बारे में तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं। मुझे याद है कि जब मैं इंटर्नशिप में था और डॉक्टर साहब उस समय थर्ड ईयर में थे, तो मैं उनसे कहता था कि मैंने कहा डॉक्टर साहब एक काम करो, मैथमेटिक्स छोड़ो, पैथोलॉजी भी पढ़ लो। तो डॉक्टर साहब मुझे एक ही बात कहते थे कि जहाँ होम्योपैथी सीख गए तो वहाँ पे किसी भी पैथोलॉजी की जरूरत नहीं, वो पैथोलॉजी को रिवर्स करेगी जरूर। तो इनका जो कॉन्फिडेंस है होम्योपैथी के लिए वो बहुत ही अच्छा है। मैं रोज इनसे कोई ना कोई एक केस डिस्कस जरूर करता हूँ अपना, और मैट्रिमेडिक इनसे जरूर सीखता हूँ। हमारे टीम में है और हम सब लोग साथ मिल करके काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर मनीष शर्मा सर, भाई साहब आपका, और दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से। और मैं चाहूँगा कि बिना किसी डिले के आप जो आज कैल्केडिया कार्ब पर इतनी अच्छी बातें हम सब लोगों को बताते हैं, तो आप सारे DHMA मेंबर्स को आज वो कैल्केडिया कार्ब और उसके जो ग्रुप्स हैं, जो उससे रिलेटेड रेमेडीज़ हैं, उसके बारे में सब कुछ बताएं। मैं आपकी जो स्लाइड है वो यहीं से शेयर कर रहा हूं, तो आप जब भी कभी नेक्स्ट करना होगा तो मुझे बताते रहिएगा, हम यहीं से ऑपरेट कर लेंगे। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर मनीष शर्मा।
जी, आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। DHMA की तरफ को मैं बहुत बहुत जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मुझे अपने मंच पर फिर से एक बार जो है कैलगरी कार या लेक्चर देने का मौका दिया है। और मैं डॉक्टर वी पी सिंह, डॉक्टर भाई सिंह, डॉक्टर दीपक शर्मा और इस टीम में जो है डॉक्टर अनुकू, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर श्वेता जी, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और ये हमारे डॉक्टर दीपक शर्मा बड़े भाई हैं, एजुकेटर हैं, गुरु हैं मेरे, और सब ये अपना इनका पनी है जो ये बताते हैं। काफ़ी कुछ एजुकेशन हर पल पल पे मुझे कुछ इनसे सीखने को मिला है शुरू से ही। मैं थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर हूँ लेकिन इन्होंने मुझे काफ़ी मतलब हाथ रखा पीछे और हमेशा मुझे लखनऊ बुलाते थे। लखनऊ बुलाकर मुझे हमेशा कहते थे कि आप जो है IPD जरूर करो। मतलब IPD में पेशेंट जब तक नहीं देखोगे जब तक आप कुछ नहीं सीखाओगे। इस बदौलत मुझे थोड़ा सा एनाटोमिकली और पैथोलॉजिकली जो है इनसे ही ज्ञान मिल पाया है। और बाकी तो जो है मैटेरिया मेडिका और ये सब जो है धीरे धीरे करके सब अपडेट होता जा रहा है। आज मैं आपको थोड़ा सा कैलगरी कार्व पर बताने जा रहा हूँ। कैलगरी कार्व एक मेडिसिन, ऐसी मेडिसिन है जिसमें हो सकता है कि हम स्टार्टिंग में उसको पहचान जाते हैं। स्टार्टिंग का मतलब जब कोई बच्चा वगैरह आता है, लेकिन जब भी कभी एडल्टहुड में या फिर ओल्ड एज में आता है तो शायद हमें बहुत भारी पड़ जाता है कि हम कैलगरी कार्व को ईजिली पहचान लें। तो कैलगरी कार्व के लिए मैंने कुछ स्लाइड्स तैयार करी हैं, मैं आज प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ आपको। स्टेप बाय स्टेप इंटरेस्ट रहेगा। थैंक यू डॉक्टर दीपक शर्मा, स्टार्ट करते हैं। ऑडिबल हैं? यस सर। थैंक यू। फर्स्ट स्लाइड में कैलगरी कार्बोनिका मीन्स जो हमारा कैलकेरिया है वो ऑस्ट्रियम के नाम से जाना जाता है और ये कार्बोनेट ऑफ लाइम भी है। और ये हमें जैसे कि आप शो हो रहा है हमारे पास इमेज शो हो रही है, यहाँ पर इसके शेल से बनता है और शेल के भी जो है मिडिल पार्ट से ये मेडिसिन बनाई जाती है। शेल के तीन पार्ट होते हैं, आउटर, इनर, मिडिल एंड ईयर इनर। तो मिडल, ये मिडल जो शेल होता है मतलब जो है मिडल में, ये उससे मेडिसिन प्रिपेयर की जाती है। मिडल का मतलब हो गया आप अगर कैल्शियम को देखेंगे तो कैलकेरिया कार्ब जो होता है वो सिक्योरिटी चाहता है, इसलिए ये मेडिसिन मिडल पार्ट से बनी है। मिडल पार्ट चारों तरफ से प्रोटेक्टेड है, सिक्योरिटी में है। जब भी ये सिक्योरिटी नहीं होगी तो ये अपने आप को इनसिक्योर महसूस करेगा। ये सबसे फर्स्ट साइन कैलगरिया कार्ब का है जो हमें यहीं से सीखने को मिलता है। कैलगरिया कार्ब एक कार्बोनेट है और कैलगरिया कार्ब जो है आपका जस्ट लाइक हम जैसे टीचिंग लाइन में हमने शुरू से ही क्लासरूम में देखा है चौक, चौक जो होता है वो भी एक कैल्शियम कैलगरिया कार्ब को शो करता है। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब। जैसा कि मैंने यहाँ शो करा है कैल्शियम इज इक्वल टू चौक, हम यहाँ से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। चौक आर इजीली ब्रेकेबल। हम क्लास में जब देखते हैं कि चौक जो है, चौक बड़ा ही वीक होता है, कहीं टूट ना जाए, इसलिए हम उसको एक चारों तरफ से लेयर जो चौक का मतलब कवर होता है, बॉक्स होता है, वो थोड़ा हार्ड होता है ताकि वो गिरे तो उससे कम से कम प्रोटेक्टेड हो जाए। इसका मतलब हम चौक से ही इसको पहचान सकते हैं कि कैल्शियम जो है आपका जो कैलगरिया कार्ब है वो इजीली ब्रेकेबल हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जब तक उसको प्रोटेक्शन नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं होगी, तब तक उसको प्रॉब्लम रहेगी। चौक आर इजीली ब्रेकेबल सो दे आर मोर सेंसिटिव। मोर सेंसिटिव मीन्स जब तक वो अपने बॉक्स के अंदर है तो सेफ है, जब भी वो बाहर आ जाएगा जहाँ भी उसको जो है लेयर नहीं मिलेंगी तो वो इजीली ब्रेकेबल हो जाएगा। ब्रेकेबल इन द सेंस आप समझ सकते हैं कि हमारा जो ब्रेकेबल का मतलब है इमोशंस हर्ट होना कैलगरी कार्ब का, इजीली सेंसिटिव। सेकंड में लिखा हुआ है सेंसिटिव लॉफ लाफ एट इफ एनी वन लाफ ऑन वेट, सो
सो सेंसिटिव। कैलगरी कार्प आपने जैसे पिक्चर एक देखी होगी, कैलगरी कार्प की नाम लेते ही हमारे माइंड में एक पिक्चर आ जाती है, पेयर फैटी फ्लैबी। पेयर फैटी फ्लैबी का मतलब होता है कि वो उसको जो है फैटी होता है लेकिन फुलफुलापन सा होता है उसमें, तो उसको तो वो वेट नहीं लगता। कैलगरी कार्प की पहचान है कि उसको वो वेट नहीं लगता क्योंकि उसके लिए वो एक नॉर्मल है। लेकिन दूसरा क्या होता है, उसको देख के जब भी हंसता है, सपोज करो हम कभी किसी को देख के हंसने लगे कि ये इतना मोटा है, बट वो सेंसिटिव है उसके लिए। अगर वो होता है तो वो उसके लिए बहुत सेंसिटिव है। वो बहुत सेंसिटिव होने के कारण क्या है कि वो फिर थिंकिंग करता है, बहुत ज्यादा सोचता है। आई कैन नॉट बियर इवन अदर बींग ग्रेटर रफली। अगर कोई मुझे रफली इस तरीके से मुझे अगर कुछ कहता है तो वो उसको बर्दाश्त नहीं होता। और यही कारण है उसकी ये जो एंग्जाइटी होती है ये एंटीसिपेशन में कन्वर्ट हो जाती है। एंटीसिपेशन इज रिजल्ट ऑफ एंग्जाइटी। कैलगरी कार्प का पेशेंट जो होता है फुल ऑफ एंग्जाइटी में होता है। एंग्जाइटी मीन्स उसको कहीं बाहर से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, कहीं कोई उसको परेशान ना करे। इन द सेंस हम देख सकते हैं कि जैसे हेल्थ में हेल्थ की जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा कैलगरी कार्प जो है परेशान होता है, कहीं मेरी हेल्थ खराब ना हो जाए। मीन्स इंफेक्शियस डिजीज चारों तरफ इतनी अभी पेंडेमिक चल रहा है तो उसमें भी कैलगरी कार्प आपने देखा होगा जो पेशेंट ज्यादा एंग्जाइटी में आए हैं वो कैलगरी हो सकते हैं। आप उनको सर्च कर सकते हैं इजीली, जो इजीली पैनिक हो रहे हैं, इजीली एंग्जाइटी इतनी ज्यादा हो रही है वो एंटीसिपेशन में, वो क्योंकि हेल्थ के बारे में ज्यादा वो एंग्जाइटी लेता है और फियर होता है उसको कहीं मुझे कुछ हो ना जाए। सोरिक स्टेट में फर्स्ट डिफेंस जो स्टार्ट होता है वो एंग्जाइटी से ही होता है। एंग्जाइटी, एंटीसिपेशन, सेंसिटिव टू रूडनेस और सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। यहाँ एंग्जाइटी तो है ही, लेकिन जब हम चाइल्डहुड में किसी बच्चे को देखते हैं तो उसको एंग्जाइटी दिखाई देगी, एंटीसिपेशन भी दिखाई देगा और सेंसिटिव टू रूडनेस एंड सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। जब आप कभी किसी बच्चा आपके पास क्लिनिक में आता है तो मीन्स एंग्जाइटी उसको दिखाई देगी। एंग्जाइटी में शो वो जब करता है तो आप उसको रूडनेस और क्रिटिसिज्म के बारे में जरूर पूछेगा, कहीं बच्चा बहुत जल्दी सेंसिटिव तो नहीं हो जाता रूडनेस, और कहीं क्रिटिसिज्म तो नहीं है। मतलब जैसे पेरेंट्स बच्चे को डांटते रहते हैं, दिस इज द मेन पॉइंट, हमें अपने बच्चों को ज्यादा नहीं डांटना चाहिए। अगर हम डांट रहे हैं तो हमें समझना चाहिए कि हमारे बच्चे में क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो वो सेंसिटिव टू क्रिटिसिज्म। यहाँ से बच्चों में क्या होता है कि कुछ सवाल बच्चों के दिमाग में थिंकिंग बहुत करते हैं, सोचते रहते हैं, और हो सकता है वो अपने पेरेंट्स से भी ना कह पाए, किसी से ना कह पाए। आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ज्यादा मिल रही है। यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो ये कैलगरी कार्प जो है चेंज हो जाता है, जस्ट साइकोसिस और सिफिलिटिंग में आता है, और हम कभी उसका चाइल्डहुड नहीं लेते। इसलिए हमें हर पेशेंट का चाइल्डहुड में जरूर पूछना चाहिए कि वो चाइल्डहुड में किस तरीके से एक्टिविटी रहती थी। इसलिए ये टू एक्सक्लूसिव भी हो जाता है कैलगरी कार्प का पेशेंट, एंड कॉन्स्टेंटली फियरफुल रहता है, बहुत डरा हुआ रहता है। लेकिन ये सब चीजें वो आपको कभी नहीं बताएगा। कैलगरी कार्प ये आपको कभी नहीं बताएगा ऐसी सारी चीजें मेरे साथ दिमाग में चल रही हैं। ये कोई ऑब्जर्व कर ले ये बात दूसरी है। देन आई नॉट सपोर्ट। जब मुझे किसी चीज का सपोर्ट नहीं मिलता, मतलब चाहे वो बच्चे चाइल्डहुड में हो या एडल्ट में हो, जब उसको इन सब चीजों का सपोर्ट नहीं मिल पाता, मीन सपोर्ट का मतलब हो गया पेरेंट्स की तरफ से या फिर कोई गुरु मतलब टीचर, बच्चों को सिखाने वाला सिर्फ पेरेंट्स और टीचर होते हैं, जब इनको इनसे सपोर्ट नहीं मिल पाता, मींस इनके क्वेश्चंस का आंसर नहीं मिल पाता, देन इट विल बी गोइंग टू कलेक्टिंग मनी। फिर ये मनी की तरफ भागने लगते हैं, इनको मनी चाहिए, और मनी से फिर क्या करते हैं, ये अपनी एस्टीम और रेस्पेक्ट देते हैं। अभी आगे आएगा मैं बताता हूँ कैसे, मतलब ये जो है मनी से
अपनी रेस्पेक्ट और स्टीम बनाते हैं। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, नेक्स्ट स्लाइड, फिजिकल मेकअप। यहाँ फिजिकल मेकअप आप देख रहे हैं, जैसा भी मैंने आपको बताया था, फेयर पैटी फ्लैगी। आपने आज तक कैलगरिया कार्व जहाँ तक पढ़ा होगा, फेयर पैटी फ्लैगी पढ़ा होगा, ये वाली जो पिक्चर है ये फेयर पैटी फ्लैगी बिल्कुल मैच कर रही है। बट इधर जो दो पिक्चर हैं, ये पिक्चर क्या देख के आपको लगता है कि कैलगरिया कार्व हो सकती है? कैलगरिया कार्व एक अदर कॉन्स्टिट्यूशन और है, जिसमें वो लीन थिन पर्सन विद लीन फैटी, लीन फेस एंड कवर विद रिंकल्स। हमें पहचानने में कैलगरिया कार्व जब कभी अगर वो फेयर फैटी फ्लैबी नहीं है, तब हम कैसे पहचानेंगे? तब उसको पहचानने के लिए हमें उसको फेस को जरूर देखना है। फेस कवर्ड बाय रहेगा रिंकल्स, यहाँ पर आपने बीच में रिंकल्स दिखाई दे रहे हैं आईज के ऊपर, चेहरे पर, नोज के पास थोड़े छोटे रिंकल्स होंगे हॉरिजेंटली या वर्टिकली स्मॉल स्क्वायर्स में, तब आप समझ सकते हैं। मींस यंग एज में, एक ओल्ड एज में तो अलग है, बट बच्चों में या यंग एज में अगर ये रिंकल्स आ जाते हैं तो आप पेशेंट, मतलब हम सोच सकते हैं कि वो कैलगरिया हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सब, कैलगरिया का जनरली अवॉइड फिजिकल एक्टिविटी। यहाँ एक पिक्चर में दिखाया गया है, इसमें क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा होती है, थिंकिंग बहुत है, डिलीजेंट है, कंसाइसनेस होता है, बट कैन नॉट हेल्प इट, शी सिट एंड फेस विद समथिंग बैंड पिन बाय द आवर। मतलब ये कोशिश ये करता है कि मेरा सब कुछ बैठे बैठे काम हो जाए, और ज्यादातर अपनी कमर को सपोर्ट में पीछे रख के इस तरीके से लेटने की कोशिश करता है जहाँ भी हो। और फिजिकल एक्टिविटी क्यों कम होती है? क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी उसकी थिंकिंग के कारण होती है, वो जितना सोचता रहता है, लेकिन वो जो थिंकिंग जो होती है उसके सही जवाब उसके माइंड से नहीं मिल पाते, तो उसमें इतना ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या है, कंफ्यूज रहता है। कैलगरिया कार्व का पेशेंट हमेशा कंफ्यूज मिलेगा, लेकिन वो आपको ऑब्जर्व कभी अपने आप को कन्फ्यूजिंग नहीं बताएगा, वो आपको ही ऑब्जर्व करना है कि वो कन्फ्यूजिंग कैसे होता है। ब्रूड ओवर लिटिल थिंग, छोटी छोटी बातों पर ब्रूडिंग That have no importance, जिसकी कोई बात importance नहीं होती, dread and aversion to labor। यहाँ बैठे हुए वो कितना मतलब diligent and concise है, ये देखिएगा सामने टीवी को जो है रिमोट को एक स्टिक से वो उसको चलाने की कोशिश कर रहा है, हालांकि ये काम आप वो उठ कर भी कर सकता था, बट वो नहीं कर रहा है क्योंकि वो सोच रहा है, क्योंकि उसको उठने की ताकत ही नहीं है, क्योंकि उसका फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन ही वीक पड़ा हुआ है। फिजिकल कॉन्स्टिट्यूशन जैसे मैंने बताया, चौक इजीली ब्रेकेबल हो जाता है, इसलिए इसका भी कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है, इजीली ब्रेकेबल। वो इतना जब मेंटली थिंकिंग इतना करता है, तो उससे एंटिसिपेशन एंग्जाइटी उसके कारण क्या होता है, ये जो है वीक इन फिजिकल एक्टिविटी। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, परस्पायरेशन आपने देखा होगा कैलगरिया कार्व के पेशेंट को, परस्पायरेशन से हम जल्दी पहचानते हैं। सबसे पहले पेशेंट से यही पूछते हैं कि आपको परस्पायरेशन आता है, परस्पायरेशन कहाँ पर आता है? एंग्जाइटी इज ए मेन कॉज ऑफ एक्सेसिव स्वेटिंग। ये परस्पायरेशन आता क्यों है? जनरली सभी लोगों को जहाँ पर भी आता है स्वेटिंग, बट इनको कैलगरिया कार्व के कुछ पर्टिकुलर पार्ट्स हैं जहाँ पर एक्सेसिव स्वेटिंग होती है। जब एक्सेसिव स्वेटिंग होती है तो उसकी वजह से, एंग्जाइटी की वजह से होती है, और इसका मेन जो रीज़न होता है वो आप सर्वाइकल रीजन पर, नेक पर आप उसको देखेंगे कि उसको कॉलर उसका जो होता है स्वेट के कारण मॉइस्ट रहता है, एंड उसी के साथ साथ जो है आपने ये भी देखा होगा कि इसकी मेन पहचान ये है कि हम ये पूछते हैं पेशेंट से कि क्या वो रात को सोते वक्त पिल्लो पर स्वेटिंग आ जाती है,
सोते वक्त, तो वो सर्वाइकल रीजन ही है। सर्वाइकल रीजन पे इतना पसीना होगा तभी पिल्लो इतना मॉइस्ट होगा। नेक्स्ट आता है उसके हेड के स्कैल्प पे, ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है, हेड के स्कैल्प पर आता है फेस एंड फेस के बाद अपर टॉर्सो एंड लोअर टॉर्सो, एडल पाम सोल, पाम एंड सोल। लास्ट में जब हम थोड़ा सा साइकोसिस में जाते हैं, सिफिलिस में, सिफिलिस में तो नहीं, साइकोसिस में जाते हैं, तब आप ये देखेंगे कि इसका जो स्वेटिंग होता है वो पेशेंट हमेशा ही बताएगा, मेरे जो है जनरली सोल एंड पाम पर बहुत स्वेटिंग आता है। जब हम साइलिशिया भी इसके लिए देखते हैं, बट वी कंपेयर टू कैल्केरिया। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सब, कैल्केरिका में अनदर सिम्टम पहचानने का सबसे अच्छा ग्लैंडुलर स्वेलिंग। पेशेंट में हमेशा ग्लैंडुलर इन्फेक्शन रहेगा, ग्लैंड से ही रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हेयर विल बी द टॉन्सिलाइटिस, थायराइड इन्फेक्शन, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड मेमरी ग्लैंड। लाइक मेमरी ग्लैंड में मींस मेल में गायनेकोमेस्टिया, मेस्टाइटिस, ये प्रॉब्लम्स अभी आती हैं। एक केस आगे मैं अभी डिस्कस करूँगा, तो उसमें यहाँ मेमरी ग्लैंड मेस्टाइटिस एंड गायनेकोमेस्टिया, ये दोनों के ही केस हैं और बहुत ही अच्छे केस रहे। टॉन्सिलाइटिस क्या होता है? जनरली जो है इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स, वो प्रॉब्लम जनरली कैल्केरिया का आपके पेशेंट में हमेशा मिलेगी आपको। जनरली उनको सर्दी खांसी जुकाम होता रहेगा बिकॉज ऑफ फियर ऑफ इन्फेक्शन, उनको हमेशा ही फियर रहता है कि कहीं बाहर से मुझे जल्दी इन्फेक्शन ना लग जाए। थायराइड इन्फेक्शन, ग्लैंड में जब प्रॉब्लम्स स्टार्टिंग होती है तो हमारी थायराइड ग्लैंड की वजह से अफेक्शन होता है। हाइपोथायराइडिज्म, हाइपरथायराइडिज्म, दोनों ही तरीके के होते हैं, दोनों ही तरीके के अफेक्शन हो सकते हैं, हाइपो एंड हाइपर। प्रोस्टेट ग्लैंड भी इसी तरीके से हमारी, जब प्रोस्टेट ग्लैंड में तब भी हम कैल्केरिया सोच सकते हैं। बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, बट अगर हम स्टार्टिंग से रूल आउट करते चले जाएंगे, अगर उनके चाइल्डहुड में चले गए वहाँ से अपने ठीक पकड़ लिया, तो हम प्रोस्टेट ग्लैंड के जो पेशेंट आते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड पे सिंगल डोज ऑफ कैल्केरिया क्योर द प्रोस्टेट ग्लैंड प्रोस्टाइटिस। मेमरी ग्लैंड गायनेकोमेस्टिया एंड मेस्टाइटिस, गायनेकोमेस्टिया प्रॉब्लम्स जो स्टार्ट होती है कैल्केरिया का में, ये थोड़ा साइकोसिफिलिटिक सिम्टम होता है। बिकॉज मेल में क्या होता है कि गायनेकोमेस्टिया जैसी स्थिति नहीं आनी चाहिए, बट जब हार्मोन चेंजेस होते हैं तो हार्मोन चेंज होने के कारण मेल जो है वो कन्वर्ट होने लगता है फीमेल जैसी स्थिति में, मीन्स मेनिस हैबिट और फेमिनाइन टाइप का। तो वो प्रॉब्लम्स मेल्स में जब ऐसी प्रॉब्लम्स आ रही है, इट मीन्स उसके जो है चाइल्डहुड में कोई ना कोई प्रॉब्लम रही है, या फिर उसके साथ इतनी थिंकिंग चल रही है कि वो आपको बता ही नहीं पा रहा है, इतनी एंग्जाइटी चल रही है, वो एंग्जाइटी कहाँ कन्वर्ट हो रही है ये हमें देखना पड़ेगा। गायनेकोमेस्टिया इज नॉट कम इजीली बिकॉज गायनेकोमेस्टिया इज ए इन्फ्लामेशन, गायनेकोमेस्टिया इज ए इंक्रीज ऑफ मसल्स ऑफ ब्रेस्ट। तो नेक्स्ट, तो इसमें हमें जरूर पीछे की जर्नी जरूर देखनी है। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सब, कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन जनरली कैल्केरिया का आपके पेशेंट में कॉन्स्टिपेशन मिलेगा। कॉन्स्टिपेशन जो होता है वो उसको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन भी कह सकते हैं, मतलब बचपन से ही उसको कॉन्स्टिपेशन होगा। पेशेंट जब मॉर्निंग में उठता है, उठने के बाद वो मोशन जाना पसंद नहीं करता। आजकल जैसे हैबिट किड्स में देखने को मिलती है, किड्स सुबह मॉर्निंग में उठे और तुरंत जो है आधे घंटे में रेडी होके स्कूल चले जाते हैं। ये हैबिट ज़रूर पूछनी है हमें, बच्चे की एक्टिविटी क्या है, मॉर्निंग में कब उठते हैं, कितने बजे फ्रेश होते हैं और कब वो स्कूल जाते हैं, कितना टाइम पीरियड इस बीच में लेते हैं। उठते ही तुरंत चले जाते हैं स्कूल और वो पता चलता है कि स्कूल में हो सकता है कि वो मोशन ना करें, फिर वो स्कूल से आके मोशन करते हैं। ये गर्ल्स में भी बहुत ज्यादा मिलता है, गर्ल्स में कॉन्स्टिपेशन की जो
हिस्ट्री होती है वो हमेशा यही होती है कि हमेशा ये बताएंगी कि वो कॉन्स्टिपेटेड रहती हैं, लेकिन ये कॉन्स्टिपेशन जो होता है ये पेशेंट को फील नहीं होता, पेशेंट इज बेटर फील इन कॉन्स्टिपेशन, वो कभी इस चीज की शिकायत ही नहीं करेगा कि मुझे मोशन नहीं हो रहा। पेरेंट्स ऑब्जर्व करके ही डॉक्टर को जाके बताते हैं कि ये दो दो दिन हो गए, एक दिन हो गया, मॉर्निंग में नहीं जाते हैं, शाम को जाते हैं, नाइट में भी जाते हैं, स्कूल से आने के बाद जाते हैं, ये पेरेंट्स ही बताएंगे आपको, वो कभी नहीं बताएगा, बिकॉज ही फील बेटर। बेटर क्यों फील करते हैं? स्वेटिंग, एंग्जाइटी की वजह से स्वेटिंग आती है, स्वेटिंग क्या करता है, डिहाइड्रेशन करता है, और रेक्टम वाला जो पार्ट होता है वहां पर डिहाइड्रेशन होता है, जब डिहाइड्रेशन होगा तो वहां पर क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन अगर करेगा। नॉट एनी कंप्लेंट ऑलवेज वॉच बाय अदर मदर फादर एनी अदर, हमेशा ही कोई बताएगा मदर फादर या कोई और अदर, इसकी रिलेशन में कहीं चला गया बच्चा तब कोई वो बताता कि दो कई समय पर मोशन ही नहीं जाते, सल्फर लैगेसिस नेट्रम और ऐसे हैं ये, इनमें मॉर्निंग डायरिया होता है, तुरंत उठते ही चले जाते हैं, जब कभी आँख खुलेगी तभी चले जाएंगे, लाइको ये सब ऐसे हैं कि इनको तो बस आईज खुली और पैर नीचे रखे जमीन पर और तुरंत इनको बस मोशन जाना है। बट कैलकुलेटर पल्सेटिला भी आता है इसमें, पल्सेटिला में भी कॉन्स्टिपेशन होता है, उसको भी फील नहीं होता, बट उसको जो है वो कंप्लेंटिंग करती है, पल्सेटिला हमेशा कंप्लेंटिंग करती है कि आई कॉन्स्टिपेटेड, बट कैलकिया का कभी आपको नहीं बताएगा, कोई घर वाला ही आके बताएगा। डिजायर सॉफ्ट बॉइल्ड एग एंड शुगर, उसको डिजायर रहता है सॉफ्ट बॉइल्ड एग एंड शुगर, ये सब उसको पसंद रहता है, लेकिन यही कंडीशन आप थोड़ा सा भी बात करके चलेंगे आगे पता चलेगा, ये डिजायर सॉफ्ट बॉइल्ड एग एंड शुगर ये सब जो है जब वो सेपरेटिंग कंडीशन में पहुंचता है तब ये सब जो है एक्टिविटी खत्म हो जाती है, कॉन्स्टिपेशन परस्पायरेशन सॉफ्ट बॉइल्ड एग शुगर ये सब उसको पसंद फिर मतलब नहीं होता, फिर मतलब उसको परस्पायरेशन भी ज्यादा नहीं होता। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, एक सिंपलिसिटी में हम अगर देखें कैलकुलेटर का सिंपल होमली, होमली मीन्स घर पर रहने वाला, होम सिकनेस सिंपल शोवर रहता है, होम सिकनेस ऐसी रहती है कि वो घर से कभी बाहर नहीं जाना चाहता, क्यों नहीं जाना चाहता, इसका भी एक कारण है अभी मैंने जैसे पीछे बताया, बिकॉज ही फील कंफर्टेबल इन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, मीन्स चारों तरफ वॉल के अंदर रहना ज्यादा पसंद होता है उसको, डाउन टू अर्थ प्रैग्मेटिक, मोर सेंसुअल टाइप जो होते हैं वो पल्सेटिला मेटरैंडम पेराइटा होते हैं एंड गेटिंग मोर प्लेजर फ्रॉम द सेंसेस, ऐसी लाइक और सल्फर जो होते हैं वो बहुत इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो अपना दिमाग से काम लेते हैं, आर्सेनिक सैलिशिया वो सोफिस्टिकेटेड एंजॉय फील करते हैं, बट कैलकुलेटर कार्ब जो है वो घर में ही रहना पसंद करेगा, अभी पेरेंट्स कहीं जा रहे होंगे तो कहेगा कि मैं घर पे आ जाऊँगा आप जाइए, क्योंकि वो बाहर थोड़ा सा निकलने से उसको परेशानी होती है, बाहर जाने पर वो इतना सारा सब कुछ जो है एनवायरनमेंट देखता है, इन्फेक्शन भी देखता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है, इसलिए वो फील करता है कि घर में ही रहूँ, घर में बैठ रहूँ, और फिजिकल एक्टिविटी मेंटल फैक की वजह से फिजिकल भी फैक हो जाता है उसको, फिजिकल भी जो है वो एक्टिविटी कम हो जाती है। नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन, कंसाइस डिलीजेंट इंटेलेक्चुअली, यहाँ हम देखेंगे बच्चा इतना कंसाइस है डिलीजेंट है, बट फिर क्या होता है उसके चाइल्डहुड में, विनिंग मॉर्निंग एंड डिसकंटेंटमेंट, मीन्स बहुत ही उसके दिमाग में सवाल आते जाते रहते हैं और जिस सवालों के उनको जवाब नहीं मिल पाते, डिसकंटेंटमेंट बहुत ही ज़्यादा डिससेटिस्फाई रहता है, क्वेश्चनिंग कैसे होते हैं, अभी एक मिनट सबसे नीचे जाइएगा, नीचे देखिएगा, व्हाट इज गॉड, वेयर इज ही लिव्ड, हु आर एंजल्स, व्हाई डू पीपल डाई, ऐसे सवाल 6 to 12 ईयर की एज में चाइल्ड क्वेश्चनिंग इस तरीके से करता है, व्हाट इज गॉड, वेयर ही लिव्ड, हु आर एंजल्स, व्हाई डू पीपल डाई, तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन, अब क्या होता है पेरेंट्स हमेशा क्या बता देते हैं, व्हाट इज गॉड, कुछ नहीं है, भगवान होता है, कहाँ मिलेगा पता नहीं, कहाँ मिलेगा,
मंदिर में जाके ढूंढता है, मंदिर में मूर्तियां होती हैं, कहाँ है भगवान बताओ। बच्चा है ना, बच्चा तो सवाल पूछेगा कहाँ रहता है वो, मुझे दिखाओ, अभी मिलवाओ, मेरे फोन पे बात कराओ। आजकल बच्चे ये भी कहते हैं मेरे फोन पे बात कराओ भगवान से। एंड हु आर एंजल्स, व्हाई डू पीपल डाई, क्यों पीपल जो है इस तरीके से मर जाते हैं, और मरने के बाद आखिर जाते कहाँ हैं वो। ऐसे क्वेश्चंस जो है जनरली क्यूरियोसिटी, इंटेंस क्यूरियोसिटी कहती है। ऊपर सेकंड लाइन में आएंगे, यू आस्क द चिल्ड्रन व्हाट ही वांट, आप बच्चों से पूछेंगे कि आप क्या चाहते हो, लेकिन ही कैन नॉट टेल यू, बच्चे कभी नहीं बता पाएंगे आपको कि वो चाहता क्या है, बिकॉज उसकी थिंकिंग ऐसी है, वो थिंकिंग इतनी करता है अपने ही दिमाग में, इस तरीके से उलझा रहता है क्वेश्चनों में कि वो कभी ये बता ही नहीं पाता कि आगे वो चाहता क्या है। इसलिए इसमें आगे शब्द जोड़ना चाहिए जो नहीं है यहाँ पर, कन्फ्यूजन स्टेट उसकी बहुत ज़्यादा होती है। इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है, मैनिपुलेटिव होता है काम निकालने में, अपने स्कूल में आप देखोगे सब काम निकाल लेता है, एक्सट्रोवर्ट होता है बट थोड़ा शाई भी होता है। नीचे ये हो गया व्हाट इज गॉड वेरी लिव, इधर ये पिक्चर मैंने शेयर करी हुई है, दिखाई दे रही हो, ये क्यूरियोसिटी ही शो कर रहा है, वो आमिर खान की पिक्चर है ये, जो डर गया वो मर गया, ऐसा जो डर गया वो मर गया, मतलब कैलकुलेटर क्या होता है, ऐसा डरा हुआ होता है, लेकिन वो कहता है आमिर खान कहता है कि जो डर गया वो मर गया, इसका मतलब उसके अंदर इतना फियर होता है। और यहाँ वो इतनी ये भी जानता है कि ये बाबा जो बैठा हुआ है वो किस तरीके से बैठा हुआ है, ये हवा में बताता है कि मैं हवा में बैठा हुआ हूँ, लेकिन ये हाथ में जो स्टिक है ये बिल्कुल ज़मीन से जुड़ी हुई है, और यहाँ से पीछे वो सपोर्ट लेके वहाँ पर बैठा हुआ है। तो ये सब चीज़ जानने की कोशिश करता है। जनरली पब्लिक में जाएंगे तो हर कोई आदमी मतलब जनरली इतना आइडिया नहीं लगाता, तो ये इंटेंस क्यूरियोसिटी होती है, जानता सब कुछ है बट फियरफुल रहता है। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सब, यहीं हम एंजाइटी लेवल पर चल रहे हैं, तो एंजाइटी हमने जनरली पढ़ा है मेडिसिन को समझने के लिए, तो वो सोरा साइकोसिस सिफिलिसिस, तो सोरा में जनरली हमारा जो है एंजाइटी पार्ट ही आता है। एंजाइटी प्राइमरी स्टेट क्या होती है, बिकम नर्वस एग्जिस्टेंस, नर्वस इतना रहता है, बच्चे को थोड़ा डांटो तो हमेशा उसके चेहरे पर पसीना आ जाता है, कुछ बात कहो तो उसको पसीना आ जाता है, वो इसीलिए आता है, परस्पिरेशन इजीली ड्यू टू द बताया एंग्जाइटी एंड नर्वस एग्जिस्टेंस। एनर्जी वेस्ट टू एंटिसिपेशन, हमेशा एंटिसिपेशन में उनकी एनर्जी वेस्ट होती रहती है, जब ये एनर्जी वेस्ट होती है तो वो एनर्जी ना मेंटली वर्क करती है ना ही फिजिकली वर्क करती है, सो ही फील टायर्ड मेंटली एंड फिजिकली। ओवर थिंकिंग एंड वीक टॉलरेंस, जब इतना ज़्यादा सोचता है तो वीक टॉलरेंस लीड टू ब्रेन फैग एंड फिजिकल फैग, यहाँ पर ब्रेन फेक और फिजिकल फेक, जैसे हम कभी कहीं बाहर गए हों 24 घंटे तक हम जागे हों, जागने के बाद हमारे पास जो एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, फिर हमें ऐसा लगता है कि बस हम कहीं लेट जाएं बैठ जाएं, इस तरीके की प्रॉब्लम्स जो है यहाँ कैलकुलेटर में इजीली मतलब दिखाई देती है, दो चार घंटे में ही काम करके थक जाता है। स्कूल के बच्चे किड्स में जो है ज़्यादातर यही मिलेगा कि बच्चे पढ़े, एक तो अपना वर्क जो है बहुत लेट करते हैं, क्यों करते हैं, एनर्जी नहीं है उनमें, एनर्जी नहीं है तो वो वीक टॉलरेंस ओवर थिंकिंग। और जब आप उन बच्चों को देखेंगे कि वो जो लेट पढ़ते हैं, जो लेट वर्क करते हैं, जो लेट काम करते हैं, और जो याद जिनको ठीक से नहीं हो पाता, लेकिन जब उनसे कहेंगे कि आप रिलेशन में कैसे रहते हैं, मतलब अपने घर में रिलेशन में कैसे रहते हैं सबसे, तो सबसे बड़े ओवर कॉन्फिडेंटेड रहते हैं, सबसे इजीली बात करेंगे, भूलेंगे मिलेंगे, बट जब भी जैसी ही मतलब उनको थोड़ा सा मेंटली वर्क आ जाएगा या फिजिकली वर्क आ जाएगा काम करने का, तो वो इजीली कह देंगे आई एम टायर्ड, वो पढ़ेंगे ही नहीं। तो हमारे आजकल समस्या बहुत ज़्यादा मिलती है, हमारे पास पेशेंट आते हैं, पेशेंट कहते हैं कि हमारा बच्चा तो बहुत वीक है, पढ़ता ही नहीं है, जल्दी याद नहीं होता, वो सब क्यों होता है, वो सब इसीलिए होता है, ओवर थिंकिंग, वीक टॉलरेंस, मेंटली है फिजिकली फैक्ट, उनको दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है उनके, थिंकिंग एंड थिंकिंग बट माई एक्सपीरियंस डज नॉट अलाउ टू मी एनी कंसंट्रेट कंक्लूजन, इतना सोचने के बाद
एप्रिहेंशन इतना होता है कि नॉट अलाउड टू द कंसंट्रेट कंक्लूजन दस आई कंफ्यूज. यहाँ हम कंफ्यूज जो अभी बता रहे थे तो कंफ्यूज इसीलिए रहता है, सोचता भी है लेकिन उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता. स्टार्ट फीलिंग समथिंग आई गो इनसेन इन द कंफ्यूजन डू यू अलाउ मी कैलकुलेट. क्या अब जब इतना फीलिंग समथिंग रहेगा आई गो इनसेन, उसको अपने अंदर ही एक ऐसा लगने लगता है कि मैं इतना करता हूँ कुछ भी नहीं हो रहा सामने, तो वो अपने आप को इंसेन फील करने लगता है. इन दिस कंफ्यूजन, इस कंफ्यूजन की वजह से इतना ज़्यादा इंसेन होता है कि उसका दिमाग फिर क्या कैलकुलेट करने में वर्क ही नहीं करता. इसीलिए कैलकेरिया कार्ब मतलब मींस मोस्टली कैलकेरिया सेल्फ इज सो वीक इन मैथमेटिकली, मैथ में हमेशा कमजोर मिलेगा कैलकेरिया सेल्फ का पेशेंट. और कैलकेरिया कार्ब का भी जो है हमेशा कैलकुलेशन में वीक मिलेगा, बट मैथ में जो वीक मिलेगा वो आपका जो है कैलकेरिया सल्फ होता है. नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन. अब नेक्स्ट ये सब पीछे जो है सोरा चल रहा था वो सब उसकी एंग्जाइटी थी, एंग्जाइटी लेवल इतना था. आगे वो कन्वर्ट हो रहा है साइकोसिस में. मतलब मैं एक जनरली बता रहा हूँ कैलकेरिया कार्ब कहाँ से कैसे चल रहा है और कहाँ जाके हमारे पास आता है. पेशेंट जब हमारे पास आता है तो हमें सोचने का मौका नहीं मिलता कि हम ये नहीं सोचते कि वो पेशेंट कहाँ से सफरिंग कर रहा है. एक क्वेश्चन हमेशा होम्योपैथी में बताया जाता है कि आप उनसे ये पूछिएगा कि कब वो बहुत अच्छे थे, मतलब ठीक अपने आप को महसूस कर रहे थे. तो उस सवाल का जवाब यहाँ पर है कि हमें ये पूछना है कि वो कब सही थे. सही क्या था, मतलब सही मतलब उनके वाइटल्स, उनके पैथोलॉजी, फिजियोलॉजी, ये सब सही कब थी. फिजियोलॉजिकली वैल्यू, बायोलॉजिकल वैल्यूज ये कब सही थी. अब जैसे मैंने पहले बताया कि सोरा में इतनी एंग्जाइटी थी, इतना सब क्वेश्चनिंग था, इतना उसको कॉन्स्टिपेशन था, परस्पायरेशन था, ये सब कहाँ था. चाइल्डहुड में था, हो सकता है एडल्टहुड में भी मिलेगा. तो ये सब चीज़ें जब पहले थी तो ये हमें वहाँ शुरू से ही लेनी पड़ती हैं किड्स के स्टार्टिंग पॉइंट से. ये सब चीज़ हम बाय बर्थ से भी ले सकते हैं, बाय बर्थ से ही हमें पता चलने लगेगा कि बच्चा कैसे चलता था. लेट वॉकिंग तो नहीं हुई, लेट लर्निंग तो नहीं हुई. लेट वॉकिंग में मेडिसिन आती है कैलकेरिया, उससे रिलेटेड जितने भी ग्रुप होंगे, हो सकता है कैलकेरिया म्यूर, कैलकेरिया फॉस, कैलकेरिया सेल्फ. बट लेट लर्निंग में भी जो होता है, लेट लर्निंग में नेट्रम म्यूर भी आता है. साइकोसिस कंपेयर विद मार्बल्स. अब हम साइकोसिस में एज ए मार्बल्स की तरह कंपेयर कर सकते हैं. यहाँ अभी तक हम चौक पर चल रहे थे, चौक इज लाइक ए सोरा. सोरा बहुत जल्दी इजीली सेंसिटिव होता था, उसे सिक्योरिटी चाहिए. अब यहाँ मार्बल की तरह आ जाते हैं. जब ये कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट इन सब चीज़ों का पीछे क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल पाता है, ये सब एंग्जाइटी चलती रहती है, कॉन्स्टिपेटेड रहता है, परस्पायरेशन होता रहता है, इस चीज़ का कहीं इलाज नहीं होता क्योंकि ये सब है तो एबनॉर्मल. नॉर्मल तो था ही नहीं कुछ, परस्पायरेशन इतना क्यों आ रहा है. तो ये सब चीज़ें जब आ रही थी तो सो ब्यूटीफुल मार्बल वो चेंज हो जाता है अपने आप को. कैलकेरिया कार्ब शो करता है साइकोसिस में. साइकोसिस में हमेशा पेशेंट कैलकेरिया कार्ब के आते हैं. तो किस तरीके के नेचर के होते हैं आप नेचर यहाँ समझिए. सो ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छा लगेगा पेशेंट देखने में. कॉस्टली, कॉस्टली का मतलब अब उसकी कीमत है, मतलब उसकी वैल्यू है. कॉस्टली से मतलब उस पेशेंट की वैल्यू है. डेकोरेट रॉयल प्लेस. So I have become proud, egoistic and selfish. ज़्यादातर वो रॉयल पैलेस में, मतलब अब वो हमेशा अच्छी जगह रुकेगा, अपने आप थोड़ा सा मतलब वैल्यू दिखाता है. सो आई हैव बिकम प्राउड, उसको प्राउड होता है, egoistic हो जाता है, selfish हो जाता है. पेशेंट हमें जब आता है कैलकेरिया कार्ब का तो प्राउड, egoistic, selfish. मीन्स आई कन्वर्ट इंटू बोस्टर, रैगेट, एवायर्स, इन सब चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. यहाँ पर मतलब वो लोभी हो जाता है, लालची हो जाता है, मतलब ऐसा हो जाता है कि हाँ उसकी कोई वैल्यू है, कोई उसको मतलब पूछे. एस्टीम, एस्टीम ऑलवेज, वो एस्टीम कहाँ से लेता है कैलकेरिया कार्ब का पेशेंट. एस्टीम ज़्यादातर बैक करना डॉक्टर साहब. एस्टीम जो है वो हमेशा मनी से लेता है, मनी से वैल्यू बनाता है, किसी को मनी से खरीदता है, अपने यहाँ नौकर चाकर रखता है. क्वालिटी, फियर एंड इनसिक्योरिटी,
बहुत ज़्यादा फियर एंड इनसिक्योरिटी है, एंगजाइटी डेवलप इनटू फियर, और ये जो है एंगजाइटी फियर में डेवलप हो जाती है, सो आई डो नॉट टेक प्लेस वेयर हिज क्राउड, इसलिए ये जो है हमेशा भीड़ भाड़ में नहीं मिलेगा, जहाँ पर भीड़ भाड़ होगी वहाँ पर अवॉइड करेगा। आई प्रिफर रॉयल होटल लार्ज रूम, आई एम एंग्री ऑन माई पास्ट। आप पेशेंट से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आप जनरली कहीं जाते हैं तो कहाँ रुकते हैं, कहीं भी किसी भी रूम्स में रुक जाते हैं या कोई अच्छा ही होटल चाहिए तो वो कहेगा हाँ अच्छा होटल हो, बड़ा हो, बड़ी जगह हो, बिकॉज ही वाज कंफर्टेबल इन द ओपन एरिया और थोड़ा लार्ज रूम में। आई एम एंग्री ऑन माई पास्ट, रियलाइज इट, माई हार्डनेस आल्सो रिफ्लेक्ट माई ऑब्स्टिनेसी, और मेरी ये जो रूडनेस और हार्डनेस है ये मेरी ऑब्स्टिनेसी को रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट ऑप्शन, यही सिक्योरिटी आती है, सिक्योरिटी में होम, मनी और हेल्थ। अभी मैंने बताया जैसे होम में रहता था, फिर होम से निकल के फिर वो बाहर, पहले उसे होम स्टिकनेस की प्रॉब्लम होती थी, जब उसको नहीं मिलता तो वो मनी में कन्वर्ट होती है, मतलब उसको मनी चाहिए, और जब मनी से भी ज़्यादा मनी हो जाती है तो मनी से भी वो संतुष्ट होता था, उसके बाद मनी के बाद वो हेल्थ पे आता, फिर सारा पैसा वो हेल्थ पे खर्च कर देता है, उसके कई सारे इंश्योरेंस करा के रखेगा, कई सारी पॉलिसी लेकर रखेगा। पेशेंट को हमें पकड़ना है कहाँ से, पेशेंट को अपने आप बताएगा कि जी मैंने पॉलिसी, आपकी क्या क्या पॉलिसी है, वो बताएगा मेरे से मेरी 4-5 पॉलिसी हैं, एक पॉलिसी से तो उसका काम नहीं चलेगा, 4 इंश्योरेंस ले रखा होगा, सारी चीज़ें मतलब ऐसी प्रोटेक्ट उसने मतलब कर रखी होंगी कि सब चीज़ें उसको जो है सिक्योरिटी, मतलब इनसिक्योरिटी ना हो, उसको सिक्योरिटी फील करे, प्रोटेक्शन। यहाँ ये लाइन थोड़ा सा जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनसिक्योरिटी के कारण वो प्रोटेक्शन में चाहता है, जब इनसिक्योरिटी होती है तो वो प्रोटेक्शन चाहता है, प्रोटेक्शन का मीन्स या तो वो बाहर निकलेगा तो थोड़ा सा उसको इन्फेक्शन का रहेगा, इसलिए वो प्रोटेक्ट रहने लगता है, मतलब ज़्यादा वो घर से बाहर ही नहीं जाता मोस्टली, जब घर से बाहर नहीं जाता तो उसके बाद क्या होता है, फोर्टिफिकेशन होता है, मीन्स अब उसको जो है एक तरीके से किलेबंदी टाइप का फोर्टिफिकेशन होता है, उसके बाद फिर मल्टीप्लीकेशन होने लगती है, उसकी सेल्स जो है मल्टीप्लाई करने लगती हैं। वही मैं बता रहा हूँ, हाइपरथायरॉइडिज्म, गायनेकोमेस्टिया और प्रोस्टेट, ये सब क्या है, मल्टीप्लीकेशन, और मल्टीप्लीकेशन क्या है कि रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन का है, मल्टीप्लीकेशन क्या है रिप्रोडक्शन का है। यहाँ एंग्जाइटी, सो एंग्जाइटी कॉज थॉट ऑलवेज फुल ऑफ सेक्स, जब वो इस तरीके से एक कमरे में बंद रहता है तो उसके दिमाग में इतने थॉट्स आते हैं एंग्जाइटी की वजह से कि वो फुल ऑफ सेक्स के आते हैं, तो वो मास्टरबेशन और नाइटफॉल जैसी प्रॉब्लम, उसको ऐसी हैबिट हो जाती है मास्टरबेशन की, यहाँ मास्टरबेशन की जो हैबिट हो जाती है उसी की वजह से ये और आगे बढ़ती है, तो प्रॉब्लम वीकनेस में चली जाती है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज अर्ली एजुकुलेशन, ऐसा सब प्रॉब्लम्स आने लगती है। दिस ओवरडोज ऑफ हॉट लेड टू इम्पोर्टेंसी अर्ली एजुकुलेशन एंड मैन इज हैबिट टू गो टू वर्ड सिफिलिस मार, और यहाँ जो मैन इज हैबिट जो है वो सिफिलिस मार की तरफ बढ़ने लगती है। नेक्स्ट ऑप्शन, इनसिक्योरिटी एंड एंग्जाइटी कंपेल मी टू बी कॉशियस केयरफुल लुक आउट ऑफ माई फ्यूचर, इनसिक्योरिटी और एंग्जाइटी, बस ये पार्ट पकड़ लीजिएगा, इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी कल के कार आपको ईजिली मिलता चला जाएगा, कंपेल मी टू बी कॉशियस केयरफुल लुक आउट ऑफ माई फ्यूचर, ये ही सब मेरा जो है, इतने सब कुछ केयरफुल रखना, ध्यान रखना, सब चीज़ माई फ्यूचर का इतना ध्यान रखना, ये सब उसके दिमाग में इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी की वजह से ही होता है। पेशेंट को आप पहचान लेंगे अगर आप उसके लाइफ स्टाइल को देखेंगे, लाइफ स्टाइल उसका सब कुछ इस तरीके से होगा, केयरफुल कॉशियस लुक, तो सब आप उसकी इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी को चले जाएंगे। अभी हमारे जो पैनिक प्रॉब्लम चल रहा है तो इसमें ज़्यादातर क्या हुआ है, कॉशियस केयरफुल कौन रहा है, जिसको इनसिक्योरिटी एंग्जाइटी बहुत रही है, यहाँ से भी हम कैलगरी की तरफ जा सकते हैं। आई हैव लॉट ऑफ मनी फॉर हेल्थ, मेरे को अब हेल्थ के लिए इतनी मनी चाहिए, ये एक्स्ट्रा मनी टू चैरिटी, और मनी से ही वो क्या करता है, फिर वो चैरिटी में भी दान करने लगता है, आई डोनेट बट फॉर द बट फॉर वांट मेंशन माय नेम रेस्पेक्ट बाय एक्सपेंस। आप देखेंगे
पेशेंट जो कैलगरी करता है वो हमेशा अपना नाम चाहता है, नाम जब चाहता है तो वो हमेशा मनी से लेता है, मनी को कहीं कहीं चैरिटी देता है। आप पेशेंट से पूछना, पेशेंट बताएगा आप क्या मतलब साल भर में या कुछ अपना एक दो महीने में अपनी सैलरी से कुछ निकालते हैं किसी को देते हैं। हाँ मैं देता हूँ, मैं चैरिटी करता हूँ, मैं उनको आज इतना दे के आया, मैं आज उनको इतना दे के आया, भगवान के नाम पर इतना चलाया। क्यों चलाया? कुछ नहीं, ऐसे ही इसलिए चलाया क्योंकि जो है वो कुछ सब लोगों के बीच में मेरी इज्जत बनी रहे और अपने नाम चाहता है। आपने देखा होगा कभी, मैं एक दिन मंदिर गया हुआ था टेम्पल, मंदिर में नीचे जो फर्श था पत्थर का जो बना हुआ था उस पर साफ साफ लिखा हुआ था, ये वो उसमें एक नाम लिखा होता कि ये फर्श श्रीमान जी ने, इन्होंने जो है उनके सहायता से बना हुआ है। हमने ठीक है, अगर ये बना हुआ है तो वो नाम आपके लोगों के पैरों में क्यों आ रहा है? अगर वो नाम है तो पैरों में क्यों आ रहा है? अगर इसको आप मतलब आप सामने भी लगवा सकते थे, फिर नीचे क्यों लगवाया? मतलब वो तो बस ये चाहता है मेरा नाम हो किसी तरीके से, उसको ये नहीं मतलब है कि मतलब वो किस जगह। अगर कोई इंटेलेक्चुअल अच्छा होगा तो वो क्या होगा, अपना रेस्पेक्ट चाहेगा, बट रेस्पेक्ट कैसा चाहेगा, वो स्टीम जो है सही प्लेस पे हो, तो नीचे ना हो, फुट में ना हो, वो वहां से वहीं से पता चल जाता है कि हमें जिसने बनवाया तो वो पेशेंट कहाँ कैसा होगा। आप समझिएगा कभी कभी इन चीजों पर वर्क करके देखिएगा, कहीं से किसी की भी पेशेंट की मेंटेलिटी हम पकड़ सकते हैं। आई वाज बॉर्न विद, मैं जब पैदा हुआ तो मतलब कैलकेरिया कार्ड जब पैदा हुआ होगा तो बॉर्न हुआ था तो डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेंथ बोथ माइंड एंड बॉडी, माय नीड वाज सपोर्ट। यहाँ से हम कैलकेरिया कार्ड अगर बचपन से ही ऐसा है तो ये सब कहाँ से आया होगा? प्रेगनेंसी टाइम में। यहाँ से हम फिर पूछेंगे प्रेगनेंसी टाइम में क्या प्रॉब्लम थी, बच्चे होते ही मतलब जो है चल नहीं पाते, जल्दी डिलेड होते, तो हम क्या पूछते हैं फिर प्रेगनेंसी में जो है उनकी हिस्ट्री लेते हैं। ऐसी प्रेगनेंसी में हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि वहाँ पर क्या था, इनसिक्योरिटी थी, सपोर्ट नहीं था, डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेंथ बोथ माइंड एंड बॉडी। क्या था, वो फीमेल जो है सारी रात सोचती रहती थी घर का खर्चा कैसे चलेगा, बाहर वाले कैसे करेंगे, मेरे जो हस्बैंड है वो मुझे समय नहीं दे पाते, वो कुछ काम मतलब इतना पैसा भी नहीं आ पाता, और क्या सिक्योरिटी है कल को मेरा बच्चा होगा तो हम कहाँ जाएंगे, घर भी रहते हैं, रहने के लिए है नहीं। ये क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ स्ट्रेंथ बोथ माइंड एंड बॉडी, माई नीड वॉज सपोर्ट। वहाँ सपोर्ट नहीं मिल रही थी इसलिए बच्चा जो है आपका वीक हुआ। यहाँ से हम कहाँ से हम पकड़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सब। सेकंड डिफेंस इज साइकोसिस, सपोर्ट ऑफ फैमिली। यहाँ साइकोसिस जो सेकंड डिफेंस चल रहा था वो सपोर्ट ऑफ फैमिली था, फैमिली बच्चा क्या चाहता, बच्चा या जो भी मतलब घर में रहने वाला मेंबर कह गए कार्य है तो वो क्या चाहता है, फैमिली से सपोर्ट चाहता है, फैमिली उसको लाइक करती रहे, प्यार करती रहे, केयरफुल करती रहे। जब उसको वो प्रॉब्लम वो नीड नहीं मिलती है, मतलब वो ये सब चीज़ नहीं मिलती है, तो फिर वो मनी और लग्जरीज की तरफ चला जाता है, फिर वो मनी पैसा कमाता है और पैसा इतना कमाता है और लग्जरीज मतलब ऐसी ऐसी मतलब हायर उसमें व्हीकल में लेना, ज़्यादा मतलब बिजनेस टाइप सारे बिजनेस मतलब जितने बिजनेस हैं वो सब जो है अपनी जो है वैल्यू रखना चाहता है ताकि कोई उसके अंदर की कमजोरी ना जान ले कि वो है क्या। क्या था, एंग्जाइटी एंटिसिपेशन। तो फैमिली में था, जब फैमिली में था, लेकिन अब वो बड़ा हो रहा है, बड़ा हो रहा है तो अब उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि वो चाहेगा कि कहीं मुझे कोई जल्दी भाव ना ले और कहीं मेरे ऊपर लाफ ना करे। सेंसिटिव टू लाफ, पहले फर्स्ट उसमें आया था स्लाइड में, सेंसिटिव टू लाफ, तो कोई उसकी बीच की कमजोरी को ना पकड़े और ना उसके ऊपर हंसे, तो इसलिए वो मनी और लग्जरी की तरफ चला जाता है। और जब उससे भी मतलब उसको संतुष्टि नहीं मिलती है, देन फिर लास्ट में फाइनली गोज टू रिलीजन और गॉड। रिलीजन ऑफ गॉड जो है ये सिक्रेटिक म्याज में, जहाँ ये भगवान के चरणों में चला जाता है या कहीं आश्रम में चला जाता है। फाइनली डिफेंस ऑफ सिफिलिस, सिफिलिस में क्या होता है, एग्जैग्रेशन डिस्टॉर्शन एंड परवर्जन। इतना सब कुछ होने के बाद ये सब जो है उसके दिमाग में फल पुथल चलता रहता है और ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं
प्रॉब्लम्स में एग्जीग्रेशन, डिस्टॉर्शन और परवर्जन के रूप में शिफ्टिंग में अब आ जाती है, जहाँ से कई सारी प्रॉब्लम्स, कई सारी डिजीज जो है क्रिएट होती हैं। दे टेक रिफ्यूज इन टेम्पल एंड आश्रम, टेम्पल और आश्रम में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि टेम्पल और जब आश्रम में चला जाता है वहाँ सबके लिए रूल्स एक समान होते हैं कि सुबह 4 बजे उठना है, सब लोगों के हेयर पे मतलब हेयर नहीं होने चाहिए। जस्ट लाइक हमारी रैगिंग वाला समय, रैगिंग वाला समय आप याद करिए, तो रैगिंग वाला समय में क्या होता था कि सब लोग जो है एक से दिखाई देते थे फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट, क्यों? ताकि कोई भेदभाव ना कर सके, ताकि हम लोगों के बीच में कोई ना कोई हम पे हंस सके। हमें पता था कि हम लोग जो है सिर पे बाल नहीं होते थे ड्रैगिंग में, टोटली जो है हेयर रिमूव करने होते थे, मूंछ भी नहीं रखनी होती थी। तो क्या होता था, सब लोग हंसते थे। तो हाँ, जब हंसने देते थे बोले, इसी तरीके से उसको ये पता है कि टेम्पल और आश्रम में जाने से क्या होगा, सब लोग एक ही धुन में लगे हुए, मतलब भगवान, क्योंकि मेन पावर तो भगवान हो गया, तो मेन पावर के पीछे रहता है कि उसे लगता है कि कोई कुछ नहीं कहेगा, इसलिए वो चला जाता है। तो ये सब क्या करता है, लीड टू डिस्ट्रक्टिव डिजीज। हमेशा ये एग्जैग्रेशन, डिस्टॉर्शन, परवर्जन, ये लीड टू डिस्ट्रक्टिव डिजीज है। विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, थायराइड, डायबिटीज और सिजोफ्रेनिया, ओसीडी, कैंसर, लास्ट में कैंसर भी जो है यहीं से ये सब प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। ओसीडी भी, आप ओसीडी अभी जब हमारे पास पेशेंट आता है यहाँ तक तो ठीक है, थायराइड, डायबिटीज वगैरह वो हम सब कर लेते हैं, बट हमारे पास जब ये विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, सिजोफ्रेनिया और ओसीडी और कैंसर ये सब जो आता है, तो हमारा जो है थोड़ा सा हम भी थोड़ा सा ऐसा लगने लगता है कि पता नहीं इन पेशेंटों को कैसे से करेंगे। बट जब हम यहाँ पकड़ेंगे तो अगर इनका सलूशन स्टार्टिंग से लेके चलेंगे तो हो सकता है हम कैंसर भी सही कर जाएं, ओसीडी भी सही कर जाएं, सिजोफ्रेनिया भी सही, और होते हैं सही। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? नहीं डॉक्टर साहब, बिल्कुल सही चल रहा है सभी कुछ। थोड़ा सा आई थिंक थ्योरेटिकल पार्ट ज्यादा है इसमें, कोई बात नहीं जी। अब इनजस्टिस इसमें आता है, परहैप्स दैट इज सम कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पेरेंट्स। कभी हम इनजस्टिस भी पेशेंट में बहुत होता है, हम पेशेंट से हमेशा इस तरीके से लेते हैं कि इनजस्टिस उनको कैसा लगता है, इनजस्टिस उनको जो है बहुत पसंद नहीं है, और ज्यादा जो है मतलब जैसे पेरेंट्स सब, एक कॉमन प्रॉब्लम हमने देखी है आजकल जो किड्स प्रॉब्लम लेके आते हैं, जब हम किड्स से पूछते हैं उनसे प्रॉब्लम के, आपको ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है, क्या दिमाग में चल रहा है, तो वो बताते ही नहीं हमें प्रॉब्लम क्या चल रही है। फिर हम पेरेंट्स को थोड़ा बाहर करते हैं, बच्चे से पूछते हैं कि क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम होती है, मम्मी पापा में कुछ लड़ाई होती है, तब वो बोलता है यस, उसका से यही इशारा होता है यस, वो कभी ये भी बोलता हाँ बस यस, मम्मी पापा लड़ते हैं, यही करेगा, ये इतना ही काफी है, मम्मी पापा लड़ते हैं। तो वो उसको जो है कॉन्फ्लिक्ट वहीं से स्टार्टिंग होता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स हमेशा जो है बच्चे के सामने जब लड़ते हैं तो बच्चा बात करता है, बच्चे के लिए पेरेंट्स क्या है, फैमिली है, फैमिली उसकी जो है लव है, लव चाहता है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे पेरेंट्स आपस में लड़ें, ये तो पेरेंट्स को पता है कि वो लड़ रहे हैं या नहीं लड़ रहे हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, बच्चों से हमेशा जरूर गेस्टी लीजिएगा, पेरेंट्स को थोड़ा बाहर भेजिए, और नहीं तो मदर से पूछिएगा, क्योंकि हो सकता है फादर ना बताएं, फादर हो सकता है डोमिनेंस टाइप के हों, नहीं बताते, लेकिन मदर जरूर हमेशा बता देंगे, नहीं इनके फादर और हमारी तो लड़ाई होती रहती है, बच्चे हमारे सामने बैठे रहते हैं, कहते कुछ नहीं, बच्चे कभी नहीं कहेंगे कि क्यों लड़ रहे हो, वो सिर्फ ऑब्जर्व करते रहते हैं, वही उनके दिमाग में थिंकिंग चलती रहती है। गॉड, एंजल, सुपर नेचुरल इन्फ्लुएंस, थिंकिंग, ये सब चीज सोचना, लास्ट स्लाइड में बताया था गॉड के बारे में, एंजल, सुपर पावर क्या होती है, बिजली क्यों चमकती है, कहाँ गिरती है, तारे क्यों होते हैं, कितने तारे होते हैं, ये सब क्वेश्चनिंग जो है बच्चों में हमेशा मिलेगी, आस्किंग क्वेश्चनिंग इन इमेजिन वेरी स्ट्रेंजियस अगर इनजस्टिस, ये सब उसका इनजस्टिस ही है, उसके सवालों का जवाब अगर कोई सही दे गया तो वो ठीक है, बच्चा वहाँ ठीक रहेगा, जब नहीं मिलेंगे तो प्रॉब्लम्स होगी। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, एडल्टहुड में फियर ऑफ इंसेनिटी, फियर ऑफ लॉसिंग कंट्रोल, ए फियर ऑफ द अननोन,
much stress and overexertion lead to breakdown physical and mentally. ये अभी मैं बताया चुका हूँ, fear of insanity, ये सब क्या होता है उसके, fear जो है losing control, a fear of unknown source, much stress और overexertion, ये सब क्या है overexertion, दिमाग में thinking के जब सवालों के जवाब नहीं मिल रहे, इतना सोचने के बाद भी उसको यही नहीं पता चल रहा कि मुझे दिमाग में कोई आइडिया आया लेकिन उसको ये नहीं पता ये मुझे करना कैसे, क्योंकि तो दोनों चीजें चलती हैं उसकी, लीड टू ब्रेक डाउन फिजिकल एंड मेंटली दोनों ही तरीके से. कैलगरी का से नाउ आई सी व्हाट डू यू, कैलगरी हमेशा ये कहता है कि बाद में थोड़ा सा कन्वर्ट भी हो जाता है, वो हमेशा ये कहता है कि अब मैं जो होना है होने दीजिएगा, मतलब जैसा चल रहा है चलने दीजिएगा, तो बस मुझे चाहे पास होना चाहे फेल होना या कुछ करना कोई काम करना है मुझे, कोई अचीव करना नहीं करना उससे कोई मतलब नहीं. तो बच्चों में कभी कभी नेचर ऐसी देखने के लिए आ जाती है कि बच्चा कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा, उससे कहो कि पढ़ लो तो पढ़ नहीं रहा, खेल लो तो खेल नहीं रहा, खाना खा लो तो उस समय खाना नहीं खा रहा, वो अपने हिसाब से स्टार्टिंग करता है, मतलब अपने हिसाब से ही काम करता है. नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सम सिक्योरिटी के एक स्लाइड है, ये बीच में है. सिक्योरिटी अगर हम कहें तो लाइकों में जो है अप्रूवल टू अदर्स सिक्योरिटी चाहता है, और हमें वेल्थ एंड प्रेस्टीज चाहता है, पल्स में रीअश्योर टू बी लव. कैलगरिया में क्या आता है, फैमिलियर एनी चेंजिंग थ्रेटनिंग, फैमिलियर की वो सिक्योरिटी चाहता है, फैमिलियर फैमिली उसके साथ रहनी चाहिए, फैमिली में जहाँ भी डिस्प्यूट मिलेंगे बच्चा हमेशा परेशान मिलेगा. नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट स्लाइड, पैथोलॉजी डेवलप नाउ इनटू टू लेवल, फिजिकल लेवल और मेंटल लेवल. एक अभी एग्जांपल आ गया, मेरे पास एक पेशेंट आया था, एक बच्चा था, तो वो बच्चा जो है अपने पेरेंट्स से कहने लगा मुझे चक्कर आ रहे हैं, अराउंड रहा होगा वो 7 to 8 ईयर का, वो कहता है मेरे को चक्कर आ रहे हैं. तो हमने कहा कौन आया मेरे पास, तो उन्होंने कहा कि चक्कर आ रहे हैं, तो मैं किसको, मेरे फ्रेंड ही था उसका बॉय था सन था, तो उसने कहा कि चक्कर आ रहे हैं तो मैं किस डॉक्टर को दिखाऊं. मैंने कहा ठीक है, अभी तो जब प्रॉब्लम होती है फ्रेंड्स सर्कल में तो सबसे पहले वो एलोपैथी की तरफ ही भागता है, तो एलोपैथी में गया सब जगह दिखाया, तो वहाँ डॉक्टरों ने दिखा दिया कि चक्कर के लिए दवाई दे दी, चक्कर फिर भी बंद नहीं हुए, तो फिर प्रॉब्लम क्या हुई, चक्कर बंद नहीं हुए तो फिर जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने लास्ट ये कह दिया कि इन्वेस्टिगेट्स टू एडवाइज टू सिटी स्कैन. सिटी स्कैन कराते ही पेरेंट्स के दिमाग में थोड़ा सा हो गया, अभी छोटा ही बच्चा है 7-8 साल का, तो सिटी स्कैन मतलब क्या है, सब प्रॉब्लम हो गया उनका. फिर पलट के मेरे पास फोन आया तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे डॉक्टर साहब ने बताया कि वो सिटी स्कैन कराओ. मैंने कहा ठीक है, अगर कुछ थोड़ा बहुत है तो आप मेरे पास आओ बच्चे को लेके. वो बच्चे को लेके आए मेरे क्लिनिक में, और मेरे क्लिनिक में लेके आए तो बच्चा बस उसका एक्सप्रेशन क्या था, मेरे को चक्कर आ रहे हैं. अगर आप मेरे को देख पा रहे हैं तो बच्चा कह रहा है कि ये मेरे को चक्कर क्या ऑब्जर्व मतलब हम कर रहे हैं. चक्कर क्या होता है, ये चक्कर वर्टाइगो, हम तो चक्कर वर्टाइगो को समझते हैं, बट देयर इज द कंफ्यूजन इन स्टेट ऑफ माइंड ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड ने पेरेंट्स को भी घुमा रखा है, तो पेरेंट्स हमेशा जो है बच्चे को यही समझते रहे कि चक्कर आ रहे हैं. जब मैंने आकर उनसे पूछा बेटा ये बताओ चक्कर होता क्या है, क्या मतलब क्या समझ रहे हो, क्या फील कर रहे हो चक्कर का मतलब, तो हम सब बताए को ये पूछेंगे या तो हम घूम रहे हैं या हमारे चारों तरफ का एनवायरमेंट जो है वो घूम रहा है. तो हमने कहा तुम्हारे चारों तरफ जो कोई दीवार है या ऐसा घर है रूम है ये सब क्या घूम रहा है. उसने कहा नो. फिर क्या हुआ, फिर क्या तुम्हें लग रहा है कि तुम घूम रहे हो उस तरीके से जैसे मैं घूम रहा हूँ. तो उसने कहा नहीं बस मेरे को तो चक्कर आ रहे हैं. एक दो सेकंड के लिए मैं भी शॉक हुआ, पर पता नहीं ये चक्कर फील भी नहीं कर रहा है, बता भी मतलब बता कुछ हो रहा है. तो वो कंफ्यूजन स्टेट था, वहां मैंने इसको पकड़ा और इस पेशेंट को मैंने बस एक ही सवाल पूछा, ये बताओ पढ़ाई लिखाई में कैसा है, पढ़ाई वढ़ाई काम करता है नहीं.
दोनों कहा कि हाँ पढ़ाई लिखाई में तो काम, बट अब कमजोर हो गया पहले से, कब से, एक साल से, एक साल से क्या हो गया, 8 साल का था तो 7 साल में क्या हो गया, 7 साल में पता चला कि वो अब अपनी इतनी स्टेज में पहुंच चुका था। आप ये ध्यान रखिएगा 5th से ले गए और 10th तक जो बच्चों की एज होती है, इसमें बच्चा वर्ल्ड वाइज होता है, वर्ल्ड से एक्सप्लोर होता है, तो वो सारी चीज ऑब्जर्व करता है वर्ल्ड में क्या हो रहा है, टीवी भी देखता है, नाटक भी देखता है, पिक्चर भी देखता है, सब कुछ समझने लगता है। 5th तक तो नहीं कहते, लेकिन हो सकता है 5th से लेकर 10th तक जो एज है वो ऐसी एज है कि वहाँ कुछ ना कुछ वो सब चीज़ ऑब्जर्व करता है। वही चीज़ ऑब्जर्व कर रहा था कि सामने जो है, मैंने फिर पेरेंट्स से पूछा कि ये बताओ कि तुम्हारे बीच में लड़ाई होती है क्या हस्बैंड वाइफ के बीच में, तो फ्रेंड कहने लगा हाँ यार वो तो जनरली होती रहती हैं, सबके साथ ही होती हैं। ठीक है, मैंने कहा बच्चा कहाँ रहता है उस वक्त, तो कहता है कि बच्चा कहाँ रहेगा, हमारे कमरे में रहेगा और कहाँ जाएगा। ठीक है, तो बहुत अच्छी बात बताई। तो बच्चा रहा तो फिर क्या करता है बच्चा, बच्चा कुछ भी नहीं, बच्चा तो सिर्फ जो है बिस्तर पर बैठा हुआ लेटा हुआ या बैठा हुआ रहता है, या फिर कभी कभी एक सिम्टम आता है कि चादर ओढ़ के बैठ जाता है, चादर ओढ़ के लेट जाता है, चादर ओढ़ के लेट जाता है। तो फिर क्या मतलब, उसने तो कुछ नहीं कही ना, यही तो कन्फ्यूजन स्टेट ऑफ कैलगेरिया है, कैलगेरिया की कन्फ्यूजन स्टेट है, और वो उसको बिल्कुल भी जो है किसी से कुछ नहीं कह पा रहा, क्योंकि पेरेंट्स ही उसका जो फैमिलियर था, लव था, वही मतलब जहाँ केयर मिल रही थी वही सामने लड़ रहे हैं, तो उसके लिए तो वो प्रॉब्लम थी, इसलिए वो चादर ओढ़ के लेट गया। चादर ओढ़ के लेटने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वो कभी कभी सो भी जाता था या फिर जो है ऐसी करवटें बदलता रहता। फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा बेटा ये बताओ क्या आपके वास्तव में कहीं सिर में दर्द तो नहीं है? अब उन्होंने बताया कि हाँ बस मेरे को तो यही दर्द होता है सेंटर में, दिस इज द फोर हेड, एंड फोर हेड इज हेडेक इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पेरेंट्स, पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट आता है हमेशा जब भी फोर हेड में बच्चों में दर्द, फोर हेड में जो पेन है वो कॉन्फ्लिक्ट है पेरेंट्स, तो पेरेंट्स हमेशा सामने रहते। फिर मैंने उनसे पूछा ठीक है ऐसा है, मैंने कहा थोड़ा सा अवॉइड करो सामने बच्चे के घर में, और उसको मेडिसिन दिया मैंने, कैलगेरिया सल्फ मेडिसिन दिया, और उसका विदिन ही जो है हेडेक जो है 24 आवर में ही खत्म हो गया सर। एक हफ्ते बाद आया वो ठीक है, अब तो कुछ है ही नहीं इसको, जब से कोई चक्कर तो मैंने कहा ठीक है चक्कर तो खत्म ही है, मतलब हेडेक बताओ मुझे कैसा है, तो कहने लगे हेडेक तो है ही। फिर मैंने कहा कोई सिटी स्कैन कराना है? कहने के नहीं, अब जब ठीक हो गए तो सिटी स्कैन क्यों कराना। और वो आज जो है 11 ईयर का हो गया है, 11 ईयर का हो गया है, तो वो जो है आज भी ठीक है, पढ़ाई लिखाई में बढ़िया चल रहा है एक्टिविटी। तो ये मतलब हमें ऑब्जर्व करना है पेशेंट क्या कह रहा है, क्या पेशेंट हमेशा हो सकता है पेशेंट को पता ही नहीं वो क्या कह रहा है, डिजीज कौन सी कह रहा है। आते ही सब लोग कहने लगते हैं माइग्रेन हो रहा है मुझे, साइनस हो रहा है, हमें ये पता करना है कि आपको कैसे पता है कि माइग्रेन और साइनस हो रहा है। सो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, पैथोलॉजी डेवलप नाउ इनटू टू लेवल, फिजिकल एंड मेंटल लेवल। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर, यहाँ फिजिकल लेवल पे मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम, रियोमेटिज्म, आर्थराइटिस, नी जॉइंट पेन अपीयर्स, लंबर रीजन, सर्वाइकल रीजन, और ये सब जो है फिजिकल लेवल पे हमारे जो है प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, मस्कुलोस्केलेटन, रियोमेटिक, आर्थराइटिस, नी जॉइंट पेन अपीयर्स, लंबर रीजन, सर्वाइकल रीजन, ये सब जो है पेन हमारे धीरे धीरे करके, पहले हमें थोड़ा सा बॉडी पेन होगा, पहले पेशेंट हमेशा कहेगा पहले तो मुझे हल्का फुल्का हाथ पैरों में दर्द रहता था, फिर क्या होता था, फिर धीरे धीरे नी जॉइंट में पेन आ गया, फिर कहाँ गया, फिर वो लंबर रीजन में आ गया कमर का दर्द, फिर वो सर्वाइकल रीजन में आ गया, फिर क्या हुआ, फिर वो सब जो है इसी तरीके से हर रीजन में पूरी बॉडी में जॉइंट पेन वगैरह ये सब जो है क्रिएट होता है। रूमेटिज्म, आर्थराइटिस, ये साइकोसोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ से क्रिएट होता है। नेक्स्ट डॉक्टर साहब प्लीज, नाउ टेंडेंसी टू स्लाइट ओबेस, ये भी एक कारण होता है जो कैलकेरा कार्ब, हमें बचपन से तो कोई मोटा होता नहीं है, सेकेंड हो सकता है 5th के बाद ही आप जनरली देखेंगे जो बच्चे जो ओबेस होते हैं वो 4th और 5th के बाद ही होते हैं, उनकी एज को भी देखना, जब भी कभी कोई कैलकेरा कार्ब मिले बच्चा मिले तो उनकी एज जरूर नोट करना, 5th से लेकर 10th के बीच में ज़्यादा ओबेस मिलेंगे, क्योंकि वहीं सब उनकी थिंकिंग होती है,
वही सब जो एंग्जाइटी होती है, वही एंटिसिपेशन होता है, वही अप्रिहेंशन होता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको जो है फिर वो जो है फैट बढ़ने की तरफ चले जाएंगे, तो ओबेस होने लगेंगे। ओबेस होने के बाद आपको लगेगा कि बच्चे की हाइट भी रुक गई है, तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम्स यहाँ मिलेंगी। एग्रावेशन बाय कोल्ड वेट वेदर, इन्यूरेशन बाय वार्म, हमेशा कोल्ड और जल्दी जल्दी, मतलब बच्चा, पेरेंट्स कहेंगे कि बच्चा हमारा बहुत जल्दी जल्दी बीमार पड़ रहा है, हर अभी तक दवाई दिलाई थी सही हुआ, फिर 15 दिन भी नहीं हुए फिर बीमार हो गया, क्या हुआ, सर्दी खांसी जुकाम हो गया। ठीक है, तो ऐसा हुआ तो हमें कैलकेरिया में आना चाहिए, कैलकेरिया को देखना चाहिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि कैलकेरिया ही सब कुछ है, बट ये हमें एक पॉइंट बता रहे हैं कि हम कैलकेरिया भी सोच सकते हैं, कई बार हम मिस कर जाते हैं। इम्यूनेशन बाय वार्म, गर्मी से उसको आराम मिलता है, दे हैव कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, क्योंकि उसकी जो है एक्सट्रीमिटीज कोल्ड होती है। यहाँ ये एक्सट्रीमिटीज कोल्ड है, अब ये नीचे एक बहुत अच्छा सिम्टम है, जनरली दे वियर सॉक्स टू बेड एट नाइट, रात को जो है बेड पे जब सोगा तो सोता है तो वो कहता है कि मुझे ठंड लग रही है पैरों में, जल्दी से मुझे वियर सॉक्स करिएगा, तो सॉक्स पहन लेता है। बट क्या होता है कि ईजीली मतलब हाफ एन आवर या वन आवर के बाद ही उसके जो है पैरों में सर्कुलेशन प्रॉपर आ जाता है, और उसके बाद जो है क्या होता है वो वार्म अप होता है, बट ही एंड अप टॉकिंग द शॉक ऑफ लेटर इन नाइट फिट बिगिन टू बर्न, और रात को उसके जो है पैर हमेशा जो है मतलब बर्न करने लगते हैं। तो हमेशा क्या करता है वो, रात को सोते सोते ही अपने पैरों से जो है शॉक से निकाल देता है। ये एक नेचुरल फिनोमेना, मतलब कंडीशनल रिफ्लेक्स भी हो सकता है। तो इसके लिए आप कभी पेशेंट को पूछोगे कि रात को आप सॉक्स पहन के सोते हो तो सुबह को क्या वो पहने पे मिलते हो या नहीं, ये क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। आप सुबह को जब उठते हो तो वो सॉक्स कहाँ मिलते हैं, पहने हुए होते हैं, तो कहते हैं वो तो पता नहीं कहाँ पड़े होते हैं, नीचे पड़े होते हैं या वो बेड पे पड़े होते हैं। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, मेंटल लेवल। अब मेंटल लेवल ये सब चल ही रहा है, दे फोकस ऑन लिटिल थिंग्स ऑलवेज अबाउट ऑलवेज अबाउट रिवील्ड डिटेल, दे मेक सिली लिटिल जोक्स, दे कीप टॉकिंग अबाउट इनसिग्निफिकेंट थिंग्स विच आर अनइम्पोर्टेंट टू एनीवन, जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, वो भी हमें ऐसा लगने लगता है कि ये हम तो कहते हैं कि पता नहीं क्यों ये सब जो है बेकार की बातें आप पूछ रहे हो, इनका कोई मैटर नहीं करता, लेकिन उसके लिए मैटर करता है वो प्रॉब्लम्स, वो क्वेश्चन वो उसके लिए प्रॉब्लम्स करते हैं। एंग्जाइटी अबाउट फ्यूचर, एल फियर ऑफ इन्फेक्शन, डिजीज ऑफ टीवी, यही सब चीज़ें जो है फियर ऑफ इन्फेक्शन, ये डिजीज सब जो टीवी और हार्ट डिजीज, कैंसर, स्ट्रॉन्ग फॉर डेथ, ये सब इसका रिजल्ट होता है। फियर रिडन स्टेट लीड टू हिस्टेरिकल स्टेट, अब हिस्टेरिकल स्टेट में भी चला जाता है। और डॉक्टर साहब एक मिनट, ये नीचे की लाइन मेरे को नहीं वाच हो रही है, जस्ट ए मिनट। ये सब प्रॉब्लम्स जो है स्टार्टिंग जस्ट ए मिनट, हाँ, देयर पावर ऑफ द कम्प्रिहेंशन एंड कंसंट्रेशन, और ये सब जो है अपनी कम्प्रिहेंशन और कंसंट्रेशन उसकी जो नहीं बन पाती, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। हिस्टेरिकल पेशेंट बहुत मिलते हैं, डिप्रेशन वाले पेशेंट बहुत मिलते हैं। एक पेशेंट डिप्रेशन का मिला था कि वो उसको जो है एग्जाम उसका छोड़ गया था, बट वो इग्निशिया था, लेकिन ऐसे आए हैं जो वहाँ कैलकेरिया भी होता है, उसको ऐसी प्रॉब्लम होने लगती है कन्फ्यूजन के कारण। नेक्स्ट स्लाइड सब, दे डो नॉट नो वट दे वॉन्ट, दे बिकम एजिटेटेड, वो उनको पता ही नहीं होता कि वो चाहते क्या। आप उनसे पूछेंगे भी ना कि बेटा क्या चाहते हो, बट वो उनको पता ही नहीं, कन्फ्यूजन की स्टेट इतनी है। देन पेस अप एंड डाउन, वो हमेशा उथल पुथल में रहते हैं, अपना ऊपर नीचे, मतलब उनके दिमाग में यही चलता रहता है कि वाट इज वाट वाट हैपन।
मुझे क्या पूछना है ये भी नहीं पता, क्लास टीचर के सामने वहाँ बैठे रहते हैं, सारा काम करा देती हैं क्लास टीचर, उसके बाद भी जो है लास्ट में यही पूछते हैं मैम क्या हुआ था, ये तो मेरे समझ में ही नहीं आया। मेंटल स्टेट ही जो है वहाँ पर जो है एंग्जाइटी के कारण मेंटल स्टेट ही जो है ठीक नहीं, कन्फ्यूजन में रहता हूँ, इम्पल्स टू स्मैश थिंग, टू जम्प आउट ऑफ विंडो, टू शाउट एंड स्क्रीम एंड दे आर स्टेट ऑफ टर्मोइल। यहाँ ये एक सेपरेटिक कंडीशन भी हो सकती है, इम्पल्स इतने आते हैं कि वो क्या भी कभी क्या होता है कि सुसाइडल की टेंडेंसी भी आ जाती है, एंड जंप आउट फ्रॉम विंडो, विंडो से अचानक ऊपर से नीचे गिर जाना मतलब कूदना सुसाइडल, ये सुसाइडल ये सब क्या है, एक इम्पल्स होता है जो इमिडिएटली आता है, इसके पीछे कुछ कई कारण ऐसा नहीं होता कि वो पहले से प्लानिंग करता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सडन इम्पल्सिंग होती हैं और ये प्रॉब्लम्स आती इसी वजह से हैं धीरे धीरे करके। ऑल दिस इज विदाउट प्रोवोकेशन एंड वेरी लिटिल प्रोवोकेशन, सो दे जस्ट वांट टू शाउट आउट एंड समथिंग दिस वे, नाउ इंसैनिटी डेवलप, सिजोफ्रेनिया और अदर साइकोसिस प्रॉब्लम, ये सब स्टार्टिंग होने लगती है। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट है बट अगर आप इसमें स्टार्टिंग से सुन रहे हैं तो थोड़ा मतलब आपको जो है कैलकुलेकार पूरा आई थिंक आ जाएगा। कैलकुलेकार एज द मेंटल प्लेन ब्रेक डाउन इज द फियर दैट अदर विल ऑब्जर्व देयर कंफ्यूजन, कैलकुलेकार का जहाँ मेंटल प्लेन ब्रेक होता है तो वहीं उसका फियर दैट अदर विल ऑब्जर्व देयर कंफ्यूजन, तो वहाँ जब मेंटल ब्रेक प्लेन ब्रेक होता है तो सामने वाला जो है उसको क्या कहेगा, कंफ्यूजन में है, आप क्या कहोगे दूसरे आदमी को, ये तो मुझे लगता है कंफ्यूज है, इसको कुछ नहीं पता, ये पता नहीं क्या करना चाह रहा है, वहाँ जब हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं उसको नहीं पता, वो तो ये जानता ही नहीं कि मैं कंफ्यूजन में हूँ, उसके लिए तो वो नॉर्मल आदमी है, वो अपने लिए ठीक है, बट कंफ्यूजन हमेशा ऑब्जर्व किया जाएगा अदर से ही, ये बात ध्यान रखिए। आप जैसे अगर हमारे पास पेशेंट आ जाता है तो हमें भी कभी कभी हम कहते हैं ना पेशेंट ही कंफ्यूज लग रहा है, पता नहीं क्या कहना चाह रहा है, तो हम यहाँ मेडिसिन छोड़ जा रहे हैं अपनी, अगर हमें लग रहा है कि वो कंफ्यूज है तो हमें ही समझ लेना चाहिए कि हो सकता है कैलकुलेकार भी हो, तो अगर हम कैलकुलेकार दे दें तो वो पेशेंट वहां से सही भी हो जाए आपका, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये तो सबसे बढ़िया सिम्टम है कंफ्यूजन, जब हम ही उसको कह रहे हैं कि ये कंफ्यूज है पेशेंट, इसको नहीं पता, ये शायद दोबारा दवाई भी नहीं लेने आएगा, तो कम से कम उसको कैलकेरिया कार्ब दे दो या कैलकेरिया सेल्फ या उसको मतलब मैच करके दे देना, तो हो सकता है वो अगली बार खुशी से आए कि भाई मैं तो सही हो गया। डलनेस ऑफ माइंड, इनेबिलिटी टू सस्टेन देयर कंसंट्रेशन रिजल्टिंग कंफ्यूजन, इतना डलनेस ऑफ माइंड, इनेबिलिटी टू सस्टेन कंसंट्रेशन नहीं कर पाता रिजल्टिंग कंफ्यूजन, दे लिव्ड इन ड्रेड दैट द कंफ्यूजन विल बी डिस्कवर्ड बाय अदर, ये सब कंफ्यूजन दूसरा ही उसको जो है बता पाएगा, दे विल नेवर वॉलेंटियर डिव्यू, वो कभी भी अपने बारे में नहीं पता कर पाएगा। नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन, ड्यूरिंग मेंटल एंड इमोशनल प्लेन लेवल पैथोलॉजी वी विल सी डिसअपीयरेंस ऑफ मेनी फिजिकल सिम्टम लाइक परस्पिरेशन, जैसा मैंने शुरू में बताया था, तो ये स्लाइड यहीं पर है, जब ये मेंटल और इमोशनल लेवल पैथोलॉजी डेवलप हो जाती है आपकी, जब मेंटल लेवल पर सब सिजोफ्रेनिया या आपको ल्यूकोडर्मा ऑटोइम्यून डिजीज ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो क्या होता है, हम उस पेशेंट से उस समय पूछेंगे आपको परस्पायरेशन कैसा था, मुझे नहीं आता परस्पायरेशन, आपको मीठा खाना कैसा लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता मीठा खाना, तो फिर हम क्या पूछेंगे, ये सब आपको पहले कैसा लगता था जब आप एडल्ट में थे या और पहले मतलब चाइल्डहुड में थे, तो क्या समझता था, तो डिजायर ऑफ फॉर एग, क्या आपको अंडे खाना पसंद है, तो वो कहेंगे नहीं मुझे अभी अंडे खाना पसंद नहीं लगता, मतलब अभी खाना पसंद नहीं लगता तो फिर क्या पहले लगता था, यस मैं पहले तो बहुत खाता था, परस्पिरेशन मेरे को बहुत आता था पहले, कॉन्स्टिपेशन रहता था, अब उसको कॉन्स्टिपेशन नहीं अब उसको डायरिया हो जाता है, डायरिया का मतलब अब उसको जो है IBS वाली प्रॉब्लम हो जाती है, बार बार उसको जो है मोशन जाना, तो हम कैसे पकड़ेंगे, पेशेंट को हमने पढ़ा है कि कॉन्स्टिपेशन रहता कैसे पकड़ेंगे, उसका हमें डिजीज को भी देखना, वो डिजीज कौन सी डिजीज लेके आया, क्या सफरिंग कर रही है, साइकोसिस सिफिलिटिक हो रहा कहाँ पर है, पेशेंट जहाँ पर है वहाँ पर हमको उसको ऐसा देखना, साइकोसिस दिखावा, साइकोसिस दिखावा, बस साइकोसिस जो है सबको दिखावा होता है। नेक्स्ट स्लाइड ऑप्शन,
यहाँ एक केस आया मेरे पास, एक केस बता रहा हूँ, फीमेल 40 इयर्स अभी आई थी मेरे पास लॉकडाउन में, हालांकि वीडियो कॉलिंग ही हुई थी, वीडियो कॉलिंग से ही बात हुई थी। सफरिंग फ्रॉम जनरल एडिमा, होल बॉडी, पूरे शरीर में एडिमा था, जॉइंट पेन, ब्रीथलेसनेस, सांस फूल रही थी, सफोकेशन फील। यहाँ ब्रीथलेसनेस और सफोकेशन फील था वो उसको पहले से था, बट अब क्योंकि ऐसी पेंडेमिक प्रॉब्लम चल रही थी तो उनको ये लगने लगा था कि कहीं मेरे को ऐसा प्रॉब्लम ना हो जाए, या हो चुकी है, मेरे को मेरे जो हस्बैंड है वो नहीं दिखा रहे हैं बाहर, और वो इस बात से भी डर रही थी कि मैं अपना ये टेस्ट नहीं करवाना चाह रही, अगर वो पॉजिटिव आ जाएगा तो क्या प्रॉब्लम। यहाँ यहीं से हम पकड़ लेंगे, ब्रीथलेसनेस, सफोकेशन ऐसा हो रहा था, उसके बाद इतना पैनिक हो रही थी, एंग्जाइटी फुल एनेक्सेस था, ये सब चीज़ें क्या चल रही थी माइंड में मेरे को। कह कर थोड़ा सा बाद में आया, बट अभी तो मुझे जैसे मतलब सिम्टम लग रहे थे तो सफोकेशन फील, हैवी ब्लीडिंग थी विद पेनफुल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल टाइम, मेंस्ट्रुअल टाइम पे बहुत पेनफुल, इतना पेनफुल के मतलब अनबियरेबल पेन, हैवी ब्लीडिंग 1 to 2 days, तो मतलब इतना हैवी ब्लीडिंग होता था कि वो फैन टाइप की हो जाती थी, मतलब उसको ऐसा लगता था कि अब जो है कुछ काम नहीं कर पाऊंगी, बिल्कुल लेजीनेस, डलनेस। पेशेंट को पास्ट हिस्ट्री में भी सारी प्रॉब्लम थी, हाइपोथायरॉयडिज्म था, सर्वाइकल पेन था, हाइपोटेंशन था, स्लीपलेसनेस था, एनॉक्सियस बहुत था, फियरफुल था, वरीड अबाउट व्हाई आई नॉट क्योर, ये हमेशा उसके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा था कि मैं इतना सब कुछ ट्रीटमेंट ले रही हूँ बट मैं सही नहीं हो रही हूँ। प्रूराइटिस होल बॉडी, अभी उनको फिर हमने यहाँ पर ना नेट्रमयूर दिया था, नेट्रमयूर देने से इनके सारे सिम्टम लगभग ऑलमोस्ट ठीक थे, बस एक जनरल एडिमा थोड़ा सा कम हुआ था और सर्वाइकल पेन ठीक हो गया था, हाइपोथायरॉयडिज्म तो खैर वो तो चल ही रहा था, हाइपोटेंशन भी मतलब उनको जो बीपी है वो नॉर्मल आ गया था, नींद भी ठीक आई थी, एनसीएस फियरफुल ये सब जो है थोड़ा सा सब कम हुआ था नेट्रमयूर देने के बाद। बट क्या हुआ, नेट्रमयूर देने के बाद प्रायरिटीज होल बॉडी स्टिंगी, मतलब ऐसी इचिंग आई बॉडी में कि उसको जो है स्टिंगी मतलब इतना होने लगा कि पूरी रात वो सो नहीं पाई, इतना स्लीपलेसनेस हो गया कि वो उठ उठ के जो है खुजाने लगती थी, हालांकि वो अर्टिकेरिया टाइम नहीं था, बस प्लूराइटिस थी, तो उसको प्रॉब्लम इतनी थी हम भी नहीं समझ पाए कि नेट्रमयूर दिया है तो हमने हुआ क्या है। इनडिफरेंस, फास्टिडियस, इंडिग्नेशन, तो ऐसी मैंने उनका हिस्ट्री ले रहा था, हिस्ट्री लेते लेते फिर मैंने फाइनली एक बात पूछा, मैंने कहा आपके मन की क्या बात रह गई, आपके मन की कोई बात ऐसी है जो रह गई, उन्होंने बोला शी वांट टू डू गवर्नमेंट जॉब और पीसीएस, या तो पीसीएस बनना चाहती थी या कोई गवर्नमेंट जॉब मिलना चाहती। मैंने पूछा सवाल क्यों, इसलिए जनरली गवर्नमेंट जॉब आदमी क्यों करता है, सिक्योरिटी के लिए, इनसिक्योरिटी होती है उसको कि कहीं कल कुछ हो जाए तो मतलब कोई चीज़ है, तो सिक्योरिटी इज ए गवर्नमेंट जॉब, पीसीएस करने को प्राइवेट भी कर सकती थी, लेकिन अभी वो कहती है कि अभी तो मुझे प्राइवेट भी मिल जाए तो कर लूंगी, लेकिन पहला उसका उद्देश्य क्या था, गवर्नमेंट जॉब और या पीसीएस, मतलब एक गवर्नमेंट जॉब तो समझ में आता है बट पीसीएस ही क्यों, पीसीएस में मतलब वो एक अधिकारी बनना चाहती थी, मतलब हायर लेवल पे ऐसा बनना चाहती थी कि सब लोग उसके कमांड में आ जाए, मतलब जब वो जिसको जो कहे वो कर ले। इंडिग्निटी, इंडिग्निशन था, इंडिग्निटी लॉस नहीं होना देना चाहती थी, किसी का एहसान पसंद नहीं था तो लेकिन बट सी फेल, लेकिन वो क्या है, जॉब उन्होंने तैयारी भी करी सब कुछ करा, लेकिन वो लखनऊ से जो है, लखनऊ के रहने वाले थे, लखनऊ से जो है फिर वो गाजियाबाद आ गए, और उनके कारण उन्होंने जो है उनके बड़े लड़का जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो उसके जो है राइट पैर में जो है प्रॉब्लम ज़्यादा आ गई थी, तो उसके ऑपरेशन हुए काफ़ी, तो इसकी वजह से फिर उसने सब जो है तैयारी छोड़ दी, और जब तैयारी छोड़ दी तो वो सी वाज बट सी वाज फेल, तो वो फेल हो गई। तो क्या हुआ, मैं वही पूछ रहा था कि ये सब गवर्नमेंट जॉब का क्या मतलब है, पीसीएस का क्या मतलब है, इनसिक्योरिटी, मतलब वो अपना एक शैल ऐसा तैयार करना चाहती थी कि कल को कुछ हो जाए तो फिर कम से कम ये हो कि मैं एक ही उस पर जो है कम से कम मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने ना पड़े, मुझे किसी के सामने कुछ मांगना ना पड़े, ना किसी का एहसान चाहिए,
तब मेरे को समझ में आया, यहाँ से मैंने को इसको क्लियर करा तो यहाँ से मैंने कैलकेरिया म्यूर दिया, कैलकेरिया म्यूर देते ही 200 इतना फास्ट रिजल्ट आया कि वो रात को बड़े आराम से सो गई और मैंने उनको विश्वास देकर भेजा, मैंने कहा आप जो है आज की रात बहुत अच्छी कटेगी आपकी, आप जाके लेटिएगा बस दवाई खाइएगा। दवाई खाते ही उनको रात को बहुत अच्छी नींद आई और सुबह सुबह ईचिंग बढ़ी। ये सबसे अच्छा पॉइंट है, ईचिंग हमारी नाइट में बढ़ रही थी, वो पूरी नाइट नहीं बढ़ी, नींद आ गई और सुबह सुबह बढ़ी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा पेशेंट का 16 पार्ट मतलब हमारा वाइटल एनर्जी बायोलॉजिकल क्लॉक्स ये सारी सब कुछ कहता है कि नींद किस लिए बनी है, सोने के लिए बनी है। और सोना कब है, नाइट में सोना है, दिन में सोना अलग चीज़ होती है, बट हमें नाइट में नींद की, नाइट में नींद आ गई तो हमें सुबह उठते उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि रात बड़ी अच्छी नींद आई, आपकी दवाई ने काम किया। और सुबह जो है फिर उन्होंने जो है इचिंग बताई कि अब इचिंग स्टार्ट हो गई, मैंने कहा ठीक है कोई दवाई नहीं लेनी, हमारी जो चल रही है दवाई वही लेते रहेगा। उसके बाद जो है शाम तक इचिंग धीरे धीरे बढ़ी और फिर कम हो गई। ये भी एक हमारा जो हेयरिंग लॉ बताता है ये सब चीज प्रॉब्लम जो है किस तरीके से चल रहे हैं हम, और वहाँ ईचिंग भी कम हुई और ये सारे सिम्टम अभी उसके सही हैं। उसको अभी पीरियड आया, अभी मेरे 4 दिन पहले बाद पीरियड आया, पीरियड भी नॉर्मल आया विदाउट पेनफुल आया है, और 2 डेज से ज़्यादा मतलब अभी चली रही है ब्लीडिंग और वो जर्नी भी कर रही हैं बाहर अभी गई हुई है। तो मतलब यहाँ ये देखे कोई सर्वाइकल पेन नहीं, कोई जॉइंट पेन नहीं, स्लिप अच्छी हो गई, हाइपोटेंशन मतलब उनको एनर्जी भी आ गई, ब्रीथलेसनेस सफोकेशन, अब मतलब वो घर से बाहर नहीं निकल रही नहीं ड्यू टू इन्फेक्शन, अभी वो अपने घर लखनऊ गई हैं आज। ये है होम्योपैथी, यहाँ अप्रोच करना हमें बहुत मतलब सिंगल डोज से ही हम कहाँ से कहाँ हो जाते हैं। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, एक और केस है, अच्छा पीछे एक गायनेकोमेस्टी और मेस्टाइटिस, हाँ जो पीछे वाला केस था उसमें एक मेस्टाइटिस जो अभी पीछे सब मैंने फर्स्ट स्लाइड में बताया था, फर्स्ट सेकंड स्लाइड में उसमें एक मेस्टाइटिस और गायनेकोमेस्टी आया था। तो मेस्टाइटिस जो था वो यहाँ पेशेंट को फीमेल को मेस्टाइटिस भी थी बहुत ज़्यादा, इन्फ्लामेशन इन द ब्रेस्ट, तो उनको जो है पेनफुल होता था, पेनफुल होने के कारण पीरियड के समय पर बहुत ज़्यादा पेन हो जाता था। अभी उनका जो ये पीरियड आया तो उसमें पहले दिन तो पेन रहा, उसके बाद वो पेन कम हो गया। नेक्स्ट केस, केस नंबर 2, मेल 28 ईयर ओल्ड, ये एक लड़का 28 ईयर ओल्ड, प्रोफेशन टीचिंग, एक कैलकुलेट का आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन मतलब जो सिम्टम है कि पेशेंट जो है वो कैलकुलेट आपका जो होता है वो फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी से बचता है मतलब पढ़ने से बचता है, लेकिन वो चाहता भी है कि मैं टीचर बनूं। टीचर का मतलब मेरी सब कमांड माने, टीचर क्या होता है, टीचर जो कह देता है सब बच्चे मानते हैं, इसका मतलब क्या होता है आप उसे नहीं पता, वो इन्फीरियर तो सुपीरियर है या सुपीरियर टू इंपीरियर है, मतलब उसको तो मतलब ये चाहिए कि कोई मेरी बात माने। जैसा भी पिछला केस भी था वो भी ये चाहती थी कि सब लोग मेरी बात माने, मतलब मेरी मैं इतनी अधिकारी बन जाऊं कि सब लोग मेरी कुछ सुने या मेरा कुछ रुतबा हो जीवन में, मेरे को किसी के सामने हाथ फैलाने को ऐसी। यहाँ है ये भी केस बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये पेशेंट 28 ईयर की एज में होमोसेक्सुअली एवर्जेंट टू फीमेल, डोमिनेंस इन चाइल्डहुड, बहुत चाइल्डहुड में बहुत डोमिनेंस थी, कॉन्स्टिपेशन एस्पायरेशन इनको था, चिले इन चाइल्डहुड, बट अभी जो है वो मुझे हॉट बताया उन्होंने जब मेरे पास आए तो पिछले साल का केस है ये, उन्होंने बताया कि मैं मुझे गर्मी बहुत लगती है। तो हम भी कंफ्यूज हो जाते हैं ना जब पेशेंट बताता है, पेशेंट का साइकोसिस हमेशा गलती वो बताएगा थर्मल, इसलिए थर्मल हमें बैक में जाके जरूर पूछना है। चिले इन चाइल्डहुड एलोन फील, अकेला बहुत महसूस करता था, एंगर सप्रेस, गुस्सा जो है बहुत ज़्यादा मतलब उसका था, पहले तो बहुत गुस्सा आता था बट उसके गुस्से को क्या उसकी फैमिली ने जो है डोमिनेंसी के कारण उसके गुस्से को निकलने नहीं दिया, वो सब गुस्सा जो है सप्रेस होता था। फुल इनसिक्योरिटी, इनसिक्योरिटी मतलब उसको तो मतलब इतना जो है वो इवन मेरे लिए ये समझ लो कि घर से जो है बाहर मतलब कहीं जैसे गाड़ी से किसी भी व्हीकल से इवन जो कोई साइकिल और मोटरसाइकिल से भी मतलब वो नहीं चला सकता था, इतना फुल इनसिक्योरिटी था।
वीपिंग इन चाइल्डहुड, बहुत रोता था चाइल्डहुड में बट अब नहीं रोता था, तो वही बता रहा हूँ मैं। वीपिंग जो है जब वो साइकोसिस और सेपरेटिंग में होमोसेक्सुअली करेक्टर और एवर्जन टू फीमेल, ये सब कहाँ था साइको साइको सेपरेटिक के साथ हैं। यहाँ पर क्या होता है वो सारी चीज़ें जो है अभी कॉन्स्टिपेशन परस्पायरेशन और ये वीपिंग ये सब जो है नहीं, मतलब था ये पहले का पार्ट है जो सब पहले था उसको। बट एक ये हैंडशेक वाली बात मुझे अच्छी लगी उसकी, वो जब भी आता था तो हैंडशेक जरूर करता था, हेलो डॉक्टर हाउ आर यू, मीन्स वो मतलब अपने आप को ये पेशेंट ये समझता था कि मैं कुछ हूँ, मेरी वैल्यू है, मैं टीचर हूँ तो आप डॉक्टर हैं। तो वो जब भी आता था, हालांकि वो आता था मेरे पास मुजफ्फरनगर से, जब भी आता था तो मेरे से हैंड शेक करता था, दोनों हैंडों को पकड़ के, दोनों हाथों को लगे। ये भी हमें एक सिम्टम मिला, वन मेल फ्रेंड, एक ही मेल फ्रेंड था बस उसका, और जिसको वो फीमेल की तरह मानता था, बस उसी के साथ वो समझता था वो उसी की फीमेल गर्लफ्रेंड है, बस मास्टरबेशन इन एडोलेसेंट, यहाँ वो ही मास्टरबेशन वाला जो भी पीछे बताया था मैंने, मास्टरबेशन मतलब क्या चाहता था वो इनसिक्योरिटी, फिर प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन के बाद वो फोर्टिफिकेशन, और फोर्टिफिकेशन के बाद क्या वो फोर्टिफिकेशन, यहाँ अब मैं वही केस बता रहा हूँ, इनसिक्योरिटी फिर प्रोटेक्शन, उसके घर वालों ने प्रोटेक्शन दी कि तुम घर से बाहर नहीं जाओगे कहीं भी, किलेबंदी मतलब फोर्टिफिकेशन किया, फोर्टिफिकेशन के बाद क्या हुआ उसको जो है मास्टरबेशन की हैबिट लग गई, मास्टरबेशन करता रहा, उसके बाद क्या हुआ एडोलेसेंट की एज में मास्टरबेशन किया, मास्टरबेशन करने के बाद उसके दिन वो हुआ ये वो सब बिल्कुल वीक होता चला गया, ही थिंक ऑलवेज व्हाट अदर थिंक फॉर हिम। और उसने एक लिखी हुई है, मैंने तो हिंदी में लिखा हुआ है, ही थिंक ऑलवेज व्हाट अदर थिंक फॉर हिम, दूसरे लोग मतलब कुछ भी काम करने से पहले ये होता था नेगेटिव थिंकिंग आ जाती थी कि दूसरे लोग क्या कहेंगे। ये उसने मुझे पता नहीं कब तक नहीं बताया, दो चार महीने तक नहीं बताया उसने मुझे, एक साल में करीब जाके केस सही हुआ, लेकिन ये दो महीने में जो है मुझे उसने अभी तक यही नहीं बताया कि भले वो क्या कहता। जब मैंने उससे पूछा कहीं ना कहीं तो हम भी मिस हो रहे थे ना, तो फिर हमने पूछा कि भाई कोई दूसरा अगर आपको कुछ कहता है तो क्या लगता है, कुछ लगता नहीं है लेकिन वो हो सकता है मेरे बारे में क्या सोच, वो सोचेगा क्योंकि वो खुद जो है होमोसेक्सुअली था, जब कोई आदमी होमोसेक्सुअली या कुछ ऐसा होता तो वो अपने अंदर की वीकनेस जानता, तो अपनी वीकनेस को छुपाता है, वीकनेस को छुपाता है तो दूसरा उसी के दिमाग में ये चलता रहता है सामने वाला पता नहीं क्या सोच रहा होगा, सामने वाला में ये जो सामने वाला जो सोच रहा है जो क्या ऑब्जर्व कर रहा है, अगर ये हम खुद सोच रहे हैं तो ये डिलूजन में आ जाता है, उसी की वजह से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हुआ उसको, और उसमें मैग्नेटाइज तो ये एक बड़ा अच्छा उसका सिम्टम था। यहाँ लेकेसिस ऐसी मेडिसिन आ रही थी मैग्नेटाइजोनियम लेकेसिस फास्फोरस, तो कैल्केरिया तो मुझे क्योंकि उसका कॉन्स्टिट्यूशन बिल्कुल वो ऐसा नहीं था, फ्लैबी टाइप नहीं था, बिल्कुल थिन था, अब फिर मैंने देखा वो आर्टिस्टिक भी था, तो फिर मैंने उसको कैल्केरिया फास्फोरस दिया, और वो उसमें जो है चार महीने बाद उसको जो है आराम आना शुरू हो गया, और अब वो इस अक्टूबर में जो है लगभग जो है काफ़ी ठीक है, अब उसकी शायद मैरिज भी है, पहले तो वो फीमेल को ही नहीं वो लाइक करता था, बट अब उसकी जो है मैरिज भी है, ये पता नहीं मैरिज अभी उसकी तय हुई नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड डॉक्टर साहब, डॉक्टर मनीष आप सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है कि कोई इंटरनेट में शायद प्रॉब्लम है, डॉक्टर मनीष का भी वेट करते हैं एक मिनट के लिए। जो लास्ट चीज़ है जो कंपैरिजन है मेडिसिन का वो रह रहा है कैल्केरे का, फास्फोरस का और दो तीन मेडिसिन का। मुझे लगता है कि कैल्केरे के बारे में आज बहुत सारी नई चीज़ें पता लगी होंगी। मैं भी जब डॉक्टर साहब से पढ़ता रहता हूं तो जानता हूं कि बहुत सारे ऐसे सिम्टम हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं, और होम्योपैथी पूरे दुनिया का एक ऐसा
मेडिकल सिस्टम है जो हर एक चीज को इंक्लूड करता है। डॉक्टर मनीष आप सुन पा रहे हैं? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, अपने आप को अनम्यूट कर। इज माय ऑडिबल? हाँ जी अब ठीक है सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ ये स्लाइड इससे पहले वही चल रही थी, केस चल रहा था ना, केस टू। हाँ जी उससे पहले केस चल रहा है। ठीक है, तो उनको कैलिग्राफोल दिया और 4-5 महीने में उनको फिर जो है आराम आ गया। अभी देखो नेक्स्ट मंथ शायद उनकी मैरिज है। नाउ अभी हम कैल्केरिया कार्प को कंफ्यूज विद फॉस्फोरस मेडिसिन। अभी जैसा हमने कैल्केरिया फॉल्स दिया तो मैं कंफ्यूज था कैल्केरिया कार्प और फॉस्फोरस में, ना फॉस्फोरस दे पा रहा था। एक बार कैल्केरिया कार्प दिया, एक बार फॉस्फोरस दिया, आराम होता रहा बट नहीं मिला। जब मैंने दोनों मिला के दिया तो ये कैल्केरिया फॉस्फोरस कैल्केरिया फॉस की तरह काम करा उसने, मतलब वो मिक्स था। यहाँ कैल्केरिया कार्प डिजायर टू वार्म फूड, हम कंपेयर कर लेते हैं डिजायर टू वार्म फूड स्वीट्स, और इधर क्या है डिजायर कोल्ड ड्रिंक। फॉस्फोरस कैसा चाहता है कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम। इधर इनएक्टिव नो वांट लेवरिंग, और फॉस्फोरस क्या चाहता है डिसीजन कैन बी क्विकली। फॉस्फोरस डिसीजन क्विकली ले लेता था। सारे सिम्टम कैल्केरिया कार्प के आ रहे थे उसमें, और उधर फॉस्फोरस मुझे नहीं मिल पा रहा था। फॉस्फोरस मैंने उनमें देखा जब उन्होंने हैंड शेक करते थे मुझे, जिसको मैं मिस कर रहा था बार बार पॉइंट को, वो मुझसे हैंड शेक कर रहा था, मुझे ये ही नहीं मिल रहा था। फिर मैं मुझे कहीं मिला कि भाई यहाँ जो हैंड शेकिंग करता तो वो मैग्नेटाइज को सीम करता। फियर फ्रॉम इमेजिनेशन गोस्ट, ये कैल्केरिया कार्प का सिम्टम, और इधर फियर ऑफ थंडरस्टॉर्म, ये फॉस्फोरस का सिम्टम। कंपनी अम्बर्जन होती है कि हम कैल्केरिया कार्प में, क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि मुझे इतना सब इतने थिंकिंग करनी पड़े, सोचना पड़े। फॉस्फोरस क्या होता है कंपनी डिजायर करता है, कैल्केरिया कार्प स्लिप लेफ्ट साइड करता है, फॉस्फोरस स्लिप लेफ्ट राइट साइड होता है। सारे सिम्टम कैल्केरिया फॉस्फोरस के मैच करते हैं, बस थोड़ा हमें इन्हीं पे ही डिफ्रेंशिएट करना है। कैल्केरिया कार्प कोल्ड वाटर 1-2 times पिएगा, बट फॉस्फोरस क्या है कोल्ड वाटर वही समय समय पर पीता रहेगा, थोड़ी थोड़ी देर में कहता रहेगा मुझे प्यास लग रही है ठंडा पानी चाहिए ठंडा पानी चाहिए। कैल्केरिया कार्प जो ओबेस और फ्लैबी होता है, और इधर जो फॉस्फोरस होता है वो टॉल होता है। कैल्केरिया कार्प लीन थिन फुल ऑफ रिंकल्स भी मिलता है हमें, इधर भी फॉस्फोरस थिन मिलेगा लेकिन उधर फुल ऑफ रिंकल्स मिलेगा। जब भी कैल्केरिया कार्प में अगर वो लीन थिन है तो फुल ऑफ रिंकल्स मिलेगा। कैल्केरिया कार्प नॉट डेलीकेटेड, और इधर फॉस्फोरस डेलीकेटेड होता है। नेक्स्ट स्लाइड ऑफ सब, अगर हमारे हम कैल्केरिया कार्प अगर सही समझ में आ गया तो बस हम बहुत जल्दी ही डिफ्रेंशिएट कर लेंगे सारे ग्रुप ऑफ मेडिसिन ऑफ कैल्केरिया, जो कि हमारा लास्ट स्लाइड है। और ये इतना आसान है, हमें ये तो पता ही है कैल्केरिया टिमिड होता है, एनेक्सियस होता है, इनसिक्योर होता है, यहाँ से हम देख लेंगे। उसके बाद हमें 3 भागों में बांट लेना है इसको, चिली चिली हॉट और हॉट। तो यहाँ पर जो है चिली में जो है हमारी 2 मेडिसिन आती हैं, कैल्केरिया आर्स और कैल्केरिया फॉस। कैल्केरिया आर्स का सबसे मेन सिम्टम जो है वो फास्टिडियस होता है, और एनोक्सियस रेस्टलेसनेस होता है, गैस्ट्रिक कंप्लेंट, ट्रैवलिंग वॉन्डरिंग होता है, लव वार्म सूप होता है। तो ये अगर हमें कैल्केरिया मिल रहा है और कुछ थोड़ा हमें लग रहा है कि कैल्केरिया से सही नहीं हो रहा है तो हमें कहीं ना कहीं फिर ऐड कुछ करना पड़ेगा। तो देखना है चिली में अगर है तो कैल्केरिया फॉस होगा या कैल्केरिया आर्स होगा। तो कैल्केरिया आर्स होगा तो वार्म सूप लव करता है ना, और आपका जो है कैल्केरिया फॉस जो है कैल्केरिया फॉस सॉरी ये थोड़ा सा डॉक्टर दीपक सर हेलो हाँ जी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, मतलब थोड़ी स्लाइड डिस्टर्ब हो रही है, तो प्लीज अगर किसी को नोट करना हो तो मैं बता देता हूँ। कैल्केरिया आर जो है वो फास्टिडियस होगा, एंग्शियस होगा। ये जो ऊपर के लिखे हुए हैं ये कैल्केरिया आर्स के हैं, और ये जो नीचे रेस्टलेसनेस लिखा है ये आपका कैल्केरिया फॉस में आएगा रेस्टलेसनेस। ऐसी गैस्ट्रिक कंप्लेंट नीचे लिखा है ये कैल्केरिया आर्स का है, और कैल्केरिया फॉस का क्या होगा वो ट्रैवलिंग एंड
हेलो डॉक्टर मनीष, आप सुन पा रहे हैं? देखिए वैसे जो चार्ट बनाया है डॉक्टर मनीष ने बहुत ही सिंपल है, अगर आप सब लोगों को दिखाई दे रहा है तो बहुत ही अच्छा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो मैं इसकी जो इमेज है वो लेकर के आपको भेज दूंगा। और डॉक्टर मनीष शायद थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गए, मैं आपको बता दूं कि जैसे भी पहले बात चल रही थी कि होम्योपैथी पूरे विश्व में एक ऐसा मेडिकल सिस्टम है जो फिजिकल मेंटल को फिजिकल सिम्टम्स को मेंटल सिम्टम्स के साथ कनेक्ट करके मेडिसिन निकालता है। और जनरली सिंगल मेडिसिन जितनी भी होती है, मतलब किसी भी एक इंडिविजुअल पेशेंट के लिए इंडिविजुअल मेडिसिन सेलेक्ट करना, ये सिर्फ होम्योपैथी में है। लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग इतना पढ़ने के बाद भी हमें मिस कर जाते हैं। जैसे हम लोग जब काम करते हैं तो कैल्केरिया ग्रुप की मेरी दो बहुत फेवरेट रेमेडी हैं, नंबर एक तो कैल्केरिया फॉस और दूसरी है इसी की कैल्केरिया लैक्टोफॉस। कैल्केरिया लैक्टोफॉस के बारे में मैं आपको बता दूं कि जब भी कभी ऐसे बोन के डिजनरेशन मिले जो बहुत सीवियर हैं, ऑस्टियोफाइट्स बहुत ज़्यादा मिले, तो कैल्केरिया लैक्टोफॉस 6 या 30 में रिपीटेड डोजेज में बहुत अच्छा काम करती है। ये ऐसी ऑस्टियोआर्थराइटिस के लिए हैं जहाँ पे ऑस्टियोफाइट्स की फॉर्मेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो मैं कैल्केरिया लैक्टोफॉस को यूज़ करता हूँ। ऐसी सेम अगर हम कैल्केरिया रिनेलिस की बात करें तो जब हम पढ़ते थे तो हमें बताया जाता था कि रिनल स्टोन्स के लिए कैल्केरिया रिनेलिस बहुत अच्छी है। लेकिन कैल्केरिया रिनेलिस रिनल स्टोन के अलावा कैल्केरिया जो रिनल की बाकी पैथोलॉजीज हैं, मतलब इवन रिनल फेलियर्स में भी कैल्केरिया रिनेलिस बहुत अच्छा काम करती है। जनरली हम लोग जो यूज़ करते हैं उसकी पोटेंसीज 3x या 6x या फिर 6C में होती है। और कैल्केरिया रिनेलिस के लिए मैं आपको बता दूं कि इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऐसी स्टोन जो आपकी कभी डिसॉल्व नहीं हो पा रही है, आपको लगता है कि ऐसी बहुत सारी मेडिसिन दे करके भी आपकी जो किडनी स्टोन है वो डिसॉल्व नहीं हो रही हैं या किडनी की पैथोलॉजी ठीक नहीं हो रही है, तो वहाँ आप कैल्केरिया रिनेलिस का यूज़ कर सकते हैं। हम 2 मिनट वेट करेंगे डॉक्टर मनीष का, अगर आ जाते हैं तो ठीक है हम कंटिन्यू करेंगे, वरना अगर कोई भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है या कोई भी कैल्केरिया का आपके बारे में कुछ भी कहना चाहता है तो प्लीज़ अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए या वीडियो ऑन कर लीजिए। हम चाहते हैं कि सभी लोग आपस में डिस्कशन करें क्योंकि सिर्फ सुनना ही काम नहीं है। डॉक्टर अशोक मदान सर का एक क्वेश्चन है, डॉक्टर प्लीज़ मेंशन द रिलेशन ऑफ कैल्केरिया सल्फ एंड लाइकोपोडियम द रेस्ट्रिक्शंस इन बिटवीन ट्रायो व्हेन टू गिव और नॉट गिव इन बिटवीन। सर डॉक्टर मनीष आ जाते हैं तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा इस बात के लिए। और हालांकि जहाँ तक आपने कैल्केरिया कार्ब सल्फर एंड लाइकोपोडियम का जो रिलेशन पूछा है, जो इसका ट्रायो है वो सल्फर कैल्केरिया कार्ब और लाइकोपोडियम इस सीरीज में चलते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिशनर भी देखे हैं जो ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन में या जहाँ सोली कंप्लेंट्स होती हैं वहाँ पर मॉर्निंग में सल्फर देते हैं, आफ्टरनून में कैल्केरिया कार्ब और इवनिंग में लाइकोपोडियम। मुझे इसका कोई लॉजिक समझ में नहीं आता, लेकिन ये सबकी अलग अलग थ्योरीज हैं। इन ऐसे भी ये जो केसेस है मैं आपको वो बता रहा हूँ जहाँ सेमिनार से मैंने सुना है लोगों को, या ऐसे भी केसेस बहुत सारे मैं मतलब डॉक्टर्स के बारे में मैंने सुना है जो क्या एक टाइम पे सल्फर देते हैं, नेक्स्ट वीक कैल्केरिया कार्ब देते हैं, नेक्स्ट टाइम लाइकोपोडियम देते हैं। जनरली ये भी माना जाता है कि अगर कैल्केरिया कार्ब के आसपास आपको डॉक्टर मनीष कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जो हम ये रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हमारे सर थे वो कहते थे कि कभी इस सीरीज को रिवर्स में मत लेना, मतलब कभी ऐसा नहीं करना है कि लाइकोपोडियम के बाद कैल्केरिया कार्ब और कैल्केरिया कार्ब के बाद सल्फर। ऐसा कुछ उन्होंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे कभी ऐसी एग्रेवेशन मिली नहीं, ना मैंने कभी ऐसा ट्राई किया है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसे ट्राइज को छेड़ा है तो मुझे ज़रूर बताना। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि नक्सोमिका और इग्निशा दोनों इमिकल हैं, लेकिन हमने दिए हैं, हमें कोई बहुत ज़्यादा रिजल्ट्स ऐसे नहीं मिले जो एडवर्स हों। हो सकता है कि उनकी डिफरेंट कंडीशन हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि एपिस और रस्टॉक्स इनिमिकल हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एपिस और रस्टॉक्स जब हम पढ़ते हैं तो दोनों इनिमिकल सिर्फ स्किन के केसेस में, बाकी कहीं नहीं। अगर सिर्फ स्किन के केसेस है तो वहाँ पे एपिस के साथ रस्टॉक्स को देना थोड़ा गलत माना जाता है, बाकी सिम्टम्स के साथ आप एपिस के साथ रस्टॉक्स भी दे सकते हैं। तो हमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि कौन सी मेडिसिन का एक्शन कब होगा, कैसे होगा और उससे क्या क्या सिम्टम्स होंगे।
जैसे डॉक्टर मनीष ने बताया कि कैल्केरा का बीज आपको सोरे भी मिल सकता है, साइकोटिक स्टेज में मिल सकता है और सेफ्रेटिक स्टेज में भी मिल सकता है। डॉक्टर मनीष आप सुन पा रहे हैं सर? जी सर जी, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। जी 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 प्लीज जी। हाँ तो ये लास्ट स्लाइड है, बस मैं इसको डिफ्रेंशिएट करना चाहता था। इधर चिली और कैल्केरियास, कैल्केरिया कॉस हो गया था, चिली और हॉट दोनों मिक्स भी आता है। कैल्केरिया म्यूर और कैल्केरिया फ्लोर, हमारी ये मदर से कैल्केरिया म्यूर जो मदर से अटैचमेंट ज़्यादा रहता है, उसको नीचे लिखा हुआ भी क्लिंग टू मदर, और इंट्रोवर्ट होता है। तो हम एक पेशेंट जो हमारा पीछे था वो फीमेल वाला, उसको हम नेट्रा म्यूर दे रहे थे, इंट्रोवर्ट था, क्लिंग टू मदर था और ऐसा मतलब सब कुछ था, बट वो नेट्रा म्यूर से सही भी हो रहा था, लेकिन जब हमने लास्ट पकड़ा उसका तो कैल्केरिया म्यूर से पकड़ा, कैल्केरिया म्यूर से इतना ड्रास्टिक चेंज आया, बहुत बढ़िया रिजल्ट आया। ऐसी कैल्केरिया फ्लोर के बारे में बता दूँ, वो सेल्फिश होता है, मनी माइंडेड होता है, ये कैल्केरिया के ही करेक्टर हैं, बट नो अटैचमेंट इज फ्लोरिका, फ्लोरिका का जो होता है, हम कैल्केरिया फ्लोर देते हैं 6x जनरली किसी की ग्रोथ को कम करने के लिए। आपने पहले सुना होगा कैल्केरिया फ्लोर 6x कितना देते हैं हम, कितनी मात्रा में दे देते हैं, जहाँ कैल्केरिया फ्लोर 200 की एक डोज या 30 की या जैसे भी हो बने की, सिर्फ एक डोज ही काम कर जानी है। आप कभी कैल्केरिया फ्लोर वाले पेशेंट को, 6x वाले को, कभी कैल्केरिया फ्लोर 200 दे के देखना, फिर उसकी ग्रोथ को देखना, वो ग्रोथ कैसे जाती है, कितनी जल्दी जाती है, और उसको जरूर पूछना। कैल्केरिया फ्लोर का पेशेंट हमेशा नो अटैचमेंट होगा, उसको अपने घर से किसी से किसी से कोई मतलब नहीं होगा, उसको सिर्फ चाहिए मनी 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 से स्टीम चाहिए उसको, उसको घर से ना, जैसे भाई मैं इससे सब पूछो, उनकी कोई मतलब ही नहीं है कि वो मेरे बारे में कुछ सोचें, कोई मतलब ही नहीं है कि वो मेरे बच्चों के बारे में सोचें, फैमिली के बारे में सोचें, बस उनको तो ये है कि बाहर पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। और कैल्केरिया फ्लोर के एक्सटर्नल अफेयर्स, एक्सटर्नल ये सब ज़्यादा मिलते हैं, ये भी एक पॉइंट है। तो आप देखना किसी की आउट ग्रोथ हो रही हो, तो हमने चिले कैल्केरिया में बताया है आउट ग्रोथ कैसे होती है, आउट ग्रोथ क्यों होती है, क्योंकि वो सोरस से साइकोसिस में कन्वर्ट होता है, एंग्जाइटी, उसकी एंग्जाइटी पकड़ना चाइल्डहुड से। ऐसे इधर हॉट में आते हैं, हॉट में तो आते हैं कैल्केरिया सेल्फ और कैल्केरिया आयोड, कैल्केरिया सेल्फ हमेशा इकोस्टिक होता है, और एक पेशेंट जो वो कैल्केरिया सेल्फ जो बच्चा था, उसके कैल्केरिया सेल्फ इतना बढ़िया काम करा कि उसका हेडेक खत्म हो गया, जो वर्टिगो लेके अपने पेरेंट्स को भी घुमा रहा था, और वो तो सिटी स्कैन भी कराने जा रहे थे बट वो रुक गए। कैल्केरिया आयोड क्या होता है, वो डिप्रेस होता है, लेकिन वो इम्पेशेंस बहुत होता है, उसमें पेशेंस नहीं होता, क्लिंग टू गॉड, इतना सब कुछ होने के बाद वो जो है गॉड के हमेशा जो है टच में रहता है। ये हमारा एक कंपेयर है छोटा सा, तो कैल्केरिया जिसने कैल्केरिया आ गया तो फिर उसके ग्रुप को पहचानने में कोई ज़्यादा देर नहीं करेगा, ग्रुप तो बहुत जल्दी आ जाता है, कैल्केरिया और कैल्केरिया के जो ग्रुप हैं बहुत ही अच्छे हैं। एक क्वेश्चन अभी ये डॉक्टर साहब पूछ रहे थे, मेरे को सुनाई दिया था बीच में, लाइको और कैल्केरिया सेल्फ में डिफरेंस, ये मतलब कैसे ऑब्जर्व करेंगे उसको? जो क्वेश्चन था वो ये था कि सल्फर कैल्केरिया का और लाइको का जो ट्रायो है, हाँ जी, क्या रिलेशन है, मतलब कौन सी कब देनी चाहिए और किस उस पर सीक्वेंस में देनी चाहिए? सीक्वेंस में इस तरीके से देनी चाहिए कि सल्फर आपको तो पेशेंट पहचानना है, इसमें इनिशियली आप उनसे पूछ सकते हैं, अगर वो हिस्ट्री में अगर कहीं पीछे होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट कराकर आए हैं तो ज़रूर उनसे थोड़ा सा पूछेगा कि आपने कौन सी पहले मेडिसिन ली है, नहीं भी ली है तो आप उसको जो है आपके जो मेडिसिन आती है आप उसको दीजिएगा, इसमें ट्रायल्स जो है सल्फर, फिर जो है कैल्केरिया और फिर लाइको। हाँ ये ज़रूर होता है कि अभी जो है लाइको के बाद कैल्केरिया नहीं देना होता है, लेकिन हाँ सल्फर के बाद कैल्केरिया और कैल्केरिया के बाद लाइको, ये इसका ट्रायल्स है। तो आप चल सकते हैं, जब अगर आपकी मेडिसिन सही आ रही है तो आपको ट्रायल से तो फिर कुछ करना ही नहीं है, फिर तो आप जो सीधे उसकी आपको उसकी जो मेट्री मतलब जो इंडिविजुलेशन है वो देखिएगा, सल्फर आ रही है तो सल्फर दीजिएगा, कैल्केरिया आ रहा है तो कैल्केरिया दीजिएगा, लाइको आ रहा है तो लाइको दीजिएगा। लाइको और कैल्केरिया सल्फ बिल्कुल रिजेम्बलिंग करते हैं दोनों, आप कभी कभी लाइको और कैल्केरिया सल्फ में थोड़ा सा कंपैरिजन जल्दी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइको भी क्या होता है वो डोमिनेंसी के कारण होता है, और कैल्केरिया सेल्फ भी क्या होता है डोमिनेंसी के कारण जो है उसको ये सब प्रॉब्लम्स होती है। आप पकड़ सकते हैं तो मैंने जैसे थोड़ा शुरू में बताया एंग्जाइटी लेवल और उसका इनसिक्योरिटी, ये अगर पकड़ गए तो एंग्जाइटी इनसिक्योरिटी तो आप चले जाएंगे कैल्केरिया सेल्फ में, और लाइको जो है उसकी इनसिक्योरिटी क्या है मैंने बताया था अभी,
उसकी इनसिक्योरिटी पावर है, मतलब वो पावर चाहता है। इस तरीके से जो है हम देख सकते हैं, अगर हमारी मेडिसिन आ रही है तो फिर हमें उस समय मेडिसिन वो देनी है जो उसके रिजेंबल कर रही है, मेडिसिन वही वर्क करेगी उसमें। ट्रायल जो है तो ये हो सकता है कि अगर मान लो जैसे हमने उनको जो है कैल्केरिया मेडिसिन दी हुई है और कैल्केरिया से सही भी पेशेंट हो गया, बस लास्ट में क्या होता है सोरा आके अटक जाता है, सोरा में मतलब रिटर्निंग होता है, अगर कोई इसको ईचिंग होती है या कोई इरप्शंस आते हैं, तब आप जो है उसको हो सकता है कि आप लास्ट में उसकी इस चीज़ के लिए जो सल्फर दे सकते हैं, क्योंकि तो आप सोरा में ले आए ना उसको, सल्फर से जो क्रॉनिक सिटी गया वो कैल्केरिया, कैल्केरिया के बाद वो लाइको, ऐसे इग्निशिया नेट्रामियो सीपिया होता है, इग्निशिया से नेट्रामियो, नेट्रामियो से सीपिया, ये जर्नी ऑफ डिजीज है जहाँ मतलब आपकी जाती है। तो सिम्टम हमें उसके साइकोसिफिलिटिक वाले जो सिम्टम होते हैं वो हमें जो है हमेशा जो है कंफ्यूज करते हैं, हमें मेडिसिन लगती है कुछ और होती कुछ और है। अगर हम उसके पास्ट में और चाइल्डहुड में चले जाएं या उसके मतलब जब वो सही है, मुझे चाइल्डहुड से भी नहीं है, मतलब जब वो सही है आप उससे ये पूछो कि आप कब परफेक्ट थे, कब बढ़िया थे, तो फाइन थे, तो आपको अपना रिजल्ट मिल जाएगा, वहां से आप सीखिएगा कि आपके साथ प्रॉब्लम्स हुई क्या। नेक्स्ट डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। और कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं, बाकी आपको कैलगरिया अगर आप एक बार जो है इसको रन करेंगे दोबारा देखेंगे, आप एक बार कैलगरिया मेडिसिन पढ़िएगा दोबारा से, तो सारी जर्नी पता चलेगी हम कहाँ से कहाँ आए। थैंक यू डॉक्टर मनीष, थैंक यू सो मच, इतनी अच्छी सी एक्सप्लेनेशन दी, और कैलगरिया का आपकी डिफरेंट स्टेज को जो आपने समझाया वो हमेशा काबिल तारीफ होता है, बहुत सारे थैंक यू हैं आपके लिए। दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं चाहता हूँ कि आज हम दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से अपने प्रेसिडेंट सर और अपने पैटर्न सर पूरी दिल्ली होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से आपको एक छोटा सा सर्टिफिकेट देते हैं, और आशा करते हैं कि आप हमें बहुत जल्दी दोबारा से कैलकेरिया के ग्रुप के बारे में और बहुत कुछ बताएंगे। जो दो तीन मेडिसिन मुझे पता थी वो मैंने सबको बता दी हैं, और कोई किसी का कोई भी क्वेश्चन होगा तो प्लीज़ आस्क करते रहिए। डॉक्टर मनीष आपके लिए सर्टिफिकेट है छोटा सा पूरी दिल्ली होम्योपैथी मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से, और ये सभी लोग आज सैटरडे नाइट में हैं, तो मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रेसिडेंट सर डॉक्टर वाइसिंग सर प्लीज डॉक्टर मनीष के लिए कुछ कहें। थैंक यू डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर मनीष शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद कल्क्रिया ग्रुप को, इतना बढ़िया कल्क्रिया ग्रुप को इतना बढ़िया लेक्चर देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में तुम्हारी स्टडी काबिले तारीफ है, और मैं उम्मीद करूंगा कि हमारे सभी मेंबर्स इसका बहुत फायदा उठाएंगे। जी सर, थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर वीपी सिंह सर का, हमारे पैटर्न सर जो हमें पूरा वक्त पूरा टाइम देते हैं, सारे DHMA के मेंबर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी जो उसको ऑर्गेनाइज करती है उस सब, डॉक्टर दीपक शर्मा, डॉक्टर गरिमा जिंदर, डॉक्टर श्वेता सिंह, डॉक्टर नूपुर, ये सब डॉक्टर उसामा, इन सब का बहुत बहुत धन्यवाद इसको ऑर्गेनाइज करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। जी सर, एक तो पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इतना अच्छा इन्फॉर्मेटिव सेशन दिया, एंड आई एम फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एज आई टोल्ड यू बिफोर, यहाँ पे रात के 3:30 बज रहे हैं, बट फिर भी मैं आपका सेशन सुन रही हूँ बिकॉज आई एम सो कीन। लास्ट टाइम भी मैंने डॉक्टर श्वेता और डॉक्टर गरिमा का सेशन पूरा सुना था, एंड आई एम सो इम्प्रेस्ड विद द सेशन कि मुझे रात दिन की परवाह नहीं है कि कितना टाइम है कितना नहीं। सो आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ DHMA। सर एक क्वेश्चन ये था कि एक फीमेल है विच कम्स टू मी विद हाइपोथायरॉयडिज्म, तो और उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बिल्कुल कैल्केरिया काब वाला है, लाइक फेयर फैटी फ्लैबी एग्जैक्टली, और बाकी जो सिम्टम्स भी हैं वो कैल्केरिया काब वाले हैं।
बट द मेन मेरा रीजन यह है आप पूछने का कि उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैल्केरिया काब वाला है, फिर फैटी फ्लैबी, बट जो हाइपोथायरॉयडिज्म की वजह से भी ये जो वेट गेन होता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कर सकता है. तो हम उस चीज में कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि वो प्रॉब्लम की वजह से उनका कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हुआ है या वो मतलब इट्स अ प्रॉपर कैल्केरिया काब केस? यस, नाइस क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा डिफरेंशिएट पॉइंट करने के लिए है. आप पेशेंट को जब थायराइड उसको मतलब उनको पता चला, हालांकि थायराइड बहुत पहले से होता है और जनरली थायराइड के पहले वाली स्थिति आप उनको देखेगा, वही मैं बता रहा हूँ. आप उनके चाइल्डहुड में जाइएगा, आप उनके यंग एज उसमें जाइएगा, आप फिर पूछिएगा कि आपको आखिर ये प्रॉब्लम्स कब से आई और थायराइड कब से क्रिएट हुआ. तो थायराइड से पहले भी क्या आपका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा था? अगर नहीं था तो फिर ऐसा क्यों आया? और फिर थायराइड एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो मैंने बताया, वो थायराइड ग्लैंड का जो अफेक्शन होता है वो इनसिक्योरिटी एंजाइटी की वजह से ही होता है. यस सर, इनसिक्योरिटी होती है ना, कहीं भी आप देखेंगे इनसिक्योरिटी होगी तभी हमारी जो है ये थायराइड ग्लैंड अफेक्टेड होती है. आप इसको देखना, उसके कहीं ना कहीं आपको मिलेगा. हो सकता है अच्छे, चलो मान लिया हमने कि कैल्केरिया कार्ब नहीं है या मतलब कैल्केरिया फ्लेव नहीं है, तो फिर उनको ये सब चीजें पूछो कि उनके साथ आखिर ऐसा क्या मतलब रहा, कहाँ पर वो इतना ज्यादा थिंक करती हैं, ये तो सब उनको कैसा लगता है, वो कैसा फील करती हैं अपने इस हेल्थ को लेते हुए. जब ये इतना सब बढ़ गया तो उनको हैवीनेस लगता है, क्या लगता है? सर, हैवीनेस बहुत ज्यादा लगता है एंड शी फील्स सो अशेम्ड. एज आई टोल्ड यू कि कैल्केरिया वाले सारे सिम्टम्स है, उनको अपनी बॉडी अच्छी नहीं लगती है. शी थिंक्स कि मैं नॉनवेज खाती थी तो उसकी वजह से मेरी बॉडी में ना, एंड क्लियरली शी सेड कि मुझे लगता है कि मैं इतना ज्यादा नॉनवेज खा लिया कि वो मेरी बॉडी के आसपास नॉनवेज लटक रहा है, कि लाइक मैंने इतना खा लिया है कि वो अब इसकी वजह से मैंने नॉनवेज भी ड्रॉप कर दिया है ये वेट गेन की वजह से, और मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मेरी बॉडी इतनी ज्यादा ओवर वेट हो गई है. तो उनसे पहले थर्मल देखो कैसा है, हॉट और चिली है और पहले कैसा था, और फिर उनको डिफरेंशिएट करो. यहां मैंने ग्रुप जो दिए हैं, कई बार जो नेटवर्क शुरू होता है ना, नेत्रम में और लाइक शो एज ए कैल्केरिया. यस सर, कैल्केरिया. अब हमें पता है कि वो तो नेत्रम में और था, वहां पर लॉन्ग था, लॉन्ग नेक थी उसको, और थोड़ा सा मतलब हाइट में लॉन्ग थिन थी. मैरिज से पहले हमेशा पूछो कि वो मैरिज से पहले ये सारा प्रॉब्लम्स जो है थायराइड का प्रॉब्लम जनरली लेडीजों में आफ्टर मैरिज आता है. और हमेशा फीमेल यही कहती है कि मैं अपने घर तो बहुत सही थी, कोई डिजीज नहीं थी मुझे, तब तुम्हारे घर ही आके हुई है. ऐसा क्वेश्चन जनरली मिलेगा. Yes, sir. Thank you so much, sir. तो वो जो आपको क्वेश्चन मिलता है इसका मतलब क्या हुआ? वेलकम. ये प्रॉब्लम वही मिलेगा आपको मैरिज के बाद. Yes. इतना सारा मतलब जो है उसको सिक्योरिटी नहीं मिलती ना, केयरफुल नहीं मिलती, तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इसलिए थायराइड आता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. थैंक यू डॉक्टर नूपुर. यस, अब मैं अगर कोई और कोई कुछ और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए या फिर चैट बॉक्स में अपना क्वेश्चन मेंशन कर दीजिए. विल आस्क एंड मीनवाइल आई रिक्वेस्ट आवर पैट्रन सर टू प्लीज से अ फ्यू वर्ड्स फॉर डॉक्टर मनीष. यस, थैंक यू. डॉक्टर मनीष का एक्चुअली पहले भी हमने कैल्केरिया और कैल्केरिया ग्रुप पर जो लेक्चर सुना था पर्सनली, दैट वाज सो फैंटास्टिक एंड सो नॉलेजफुल टू एवरीबॉडी अवर न्यू लर्नर्स एंड न्यू कमर्स इन द होम्योपैथी. और एक्चुअली कैल्केरिया सेल्फ वाकई जो मैथमेटिकली जो वीक होते हैं बच्चे, जो बिलो टेंथ जो होते हैं उनके लिए, आफ्टर दैट लेक्चर ऑफ डॉक्टर मनीष शर्मा आई प्रिस्क्राइब सो मेनी टाइम्स टू द पेशेंट ऑफ माय क्लिनिक कैल्केरिया सेल्फ. आई गॉट वेरी गुड एंड वेरी बेटर रिजल्ट रिगार्डिंग द मैथमेटिकल वीकनेस टू द स्टूडेंट. तो एक्चुअली डॉक्टर मनीष का ये एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी बात है. कैल्केरिया ग्रुप पे तो एक्चुअली कई बार क्या लगता है कि डॉक्टर मनीष भी कैल्केरिया ग्रुप में जाते हैं, तो बहुत अच्छी बात है ये. और मैं समझता हूँ कैल्केरिया सेल्फ लेकर के ये अपने को बहुत अच्छा स्ट्रांग रखते हैं और बहुत अच्छा. कैल्केरिया ग्रुप तो एक्चुअली हमारी पूरी आधी होम्योपैथी को कवर करता है.
आज का बहुत बढ़िया लेक्चर आपका रहा डॉक्टर, बहुत बढ़िया रहा, और मैं समझता हूँ आगे भी थोड़ा सा इसमें और सुधार करके और आप ही कुछ बताएंगे तो और अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। और आपका प्लेटफॉर्म मिलता है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि आपके प्लेटफॉर्म पे आकर मैं जो है ये सब इतना कर पाता हूँ। नहीं, आप ही का प्लेटफॉर्म है और क्या है, मिलकर बनाया है हम सब ने। थैंक यू सो मच। पहले भी दिया था तो उसमें भी थोड़ा सा मतलब जो कमी रह गई थी उनको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की गई है, और आगे करना चाहिए, आगे नेक्स्ट एक और मेडिसिन करेंगे आगे। ठीक सर, ठीक, थैंक यू वेरी मच। एनी क्वेश्चन नेक्स्ट? डॉक्टर राइजिंग सर, क्वेश्चन डॉक्टर श्वेता, एम आई ऑडिबल? थैंक यू एवरीवन, थैंक यू डॉक्टर मनीष, थैंक यू डॉक्टर वीपी सिंह सर, थैंक यू डॉक्टर वाई सिंह सर। डॉक्टर वीपी सिंह सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैंने कह दिया साहब, बहुत बढ़िया लेक्चर रहा, आप थे ही नहीं उस टाइम पर, है ना, कैफेटेरिया सेल्फ दैट वाज अ वेरी गुड मेडिसिन। थैंक यू डॉक्टर मनीष, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। इतने पेशेंस के साथ सब ने सुना, और थैंक्स टू डॉक्टर नूपुर शर्मा जिन्होंने इतनी रात को जग करके भी हमारे साथ हमें अटेंड किया है। डॉक्टर अशोक मदान सर का भी ऐसे ही थैंक यू, वो भी हमेशा 3 बजे 4 बजे हमारे लेक्चर जब भी होते हैं वो हम अटेंड करते हैं, तो ऐसे लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन, सभी लोगों को नमस्कार। थैंक यू डॉक्टर दीपक शर्मा। किसी को भी कोई दिक्कत आए तो मुझे 9711536117 पर व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.dhma.in पे जाकर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सारे प्रोसेस हैं, कुछ लोगों का सर्टिफिकेट, कुछ मेंबर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिला है, वो उसकी वजह सिर्फ इतनी है कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल पे अपनी प्रोफाइल पिक नहीं लगाई हुई है। जैसी प्रोफाइल पिक लगती है तो हम उसको डाउनलोड करके उसका सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी प्रोफाइल प्लीज़ कम्प्लीट कर लीजिए, क्योंकि हमारी जो वेबसाइट है वो सब कुछ आपके प्रोफाइल्स पर डिपेंड करेगी कि कितना आगे बढ़ते हैं। सो सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। डॉक्टर वाई सिंह सर, मीटिंग एंड करें सर। हाँ ठीक है, थैंक यू सर।